लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद हो गया लेकिन हम लोग नहीं। आज बाबूजी का फैसला कर ही देते हैं। अगर मुझे पता होता इतनी देर होगी तो मैं कभी नहीं आता। अरे तेरी लाइव बना दी और तू भैया। पिताजी आप आधी रात को इस हालत में कहां से आ रहे हो तुम लोग? आजादी का जश्न मनाने गए थे। जिस किस्म के जश्न तुम मनाते हो वो आजादी के नहीं बर्बादी की हुआ करते हैं। हमारी जिंदगी में बर्बादी ही लिखी है पिताजी।
एक अमीर बाप की भिखारी औलाद, आपके टुकड़ों पर पलने वाले हम लोग कभी आजादी का जश्न नहीं मना सकते पिताजी। क्या बात कर रहे हैं आप गोविंद भैया, तू बीच में टांग मत अड़ा। क्यों ना अड़ाऊं? आप पिताजी का अपमान मेरे सामने करेंगे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? क्या नहीं किया पिताजी ने हम लोगों के लिए? रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए कार, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, और क्या चाहते हैं आप लोग? खामोश, तू चुप होता है कि नहीं भैया? क्या आप क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या पिताजी, अब हम लोगों से आपके सूखे असूलों वाली जिंदगी नहीं जी जाती। इनफ इज इनफ। साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। पिताजी मैं तो मैं समझाती हूँ। ससुर जी, अगर आप वाकई हम सबको प्यार करते हैं और हम सबको खुश देखना चाहते हैं, तो हमें हमारा जो भी हक बनता है दे दीजिए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है पिताजी, बहुत जिले हम आपकी छत्र छाया में, अब हम थक चुके हैं, हमें हमारा हिस्सा देके अलग कीजिए। पिताजी मैं समझाता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग सुकून की जिंदगी जिए, तो आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर दो, पार्टीशन बस। चलो मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गोविंद भैया भाभी और सुनीता दीदी के मन में इतना जहर भरा हुआ है, वरना मैं इनके साथ कभी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बेटे तुझको भी अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो बता दे बेटा। नहीं पिताजी, आपका ये रोहित मर जाएगा लेकिन आपसे कभी बदतमीजी से पेश नहीं आएगा, और ना ही कभी आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा। बस मालिक बस, दिल पर ज्यादा बोझ मत लीजिए, चलकर आराम कीजिए मालिक। लखपति एक काम कर, तू मेरे दोस्त एडवोकेट बाटली वाले के पास अभी जा। हाँ। उससे कहने के कल सुबह उसको मैंने बुलाया घर पे। बाटली वाले को क्यों मालिक? मैं तुझे जो लिख के देता हूं उससे कहना कल सुबह वही चीज से बना कर यहां पर ले आए। आओ बाटली वाला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब कागजात तैयार कर लिए ना? हाँ हाँ, तुम्हारे कहने पर मैंने सब पेपर तो तैयार कर लिए हैं, मगर जरा एक मिनट, कोने में विचार के तार बजा ले तो शायद तुम्हारे दिमाग के कोर्ट में शांति की आवाज फिर जाए। ये तुम क्या कर रहे हो धनीराम? धनीराम से साला भिखारी राम बन रहे हो? अरे लापरवाह औलाद को सारी दौलत देना मतलब अपना बाजू काट कर उनकी खटिया में जोड़ देना। एक बार फिर सोच लो यार। हाँ मालिक, ये सही कह रहे हैं। हाँ? एक बार फिर सोच लो। मैंने सब सोच लिया, चल यार बच्ची इंतजार कर। चल तू तो सुनो धनीराम, एक बार फिर सोच लो। मैंने सब सोच लिया, तू सुना ना। तो भाई सुनो, अपने बाप की, हाँ मेरा मतलब है अपने पिताजी की वसीयत, इन्होंने तीर्थ पर जाने का सोच लिया है। ये कौन सी नई बात है? हम सबको मालूम है। मुझे मालूम है कि तुम्हें मालूम है, लेकिन जितना मालूम है कम मालूम है। अब उस मालूम की मालूमात बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे मेरा काम सिस्टमैटिकली करने दो। गोविंद राम धनी राम का सबसे बड़ा बेटा, सुनीता बड़ी बेटी, और रोहित सबसे छोटा बेटा जो यहाँ नहीं है, आरती गोविंद राम की पत्नी। गोविंद के हिस्से में फैक्ट्री की जिम्मेदारी और साथ में 10 लाख का चेक। 10 लाख? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी पिताजी, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हाँ इसकी क्या जरूरत थी? क्या तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, रहने देते, कोई बात नहीं, रहने देते पिताजी, दे और मैं ना जो बैठ बैठ। हाँ, 10 लाख। बड़ी बेटी सुनीता के नाम पुराना बंगला और ये 10 लाख रुपए। सच पिताजी, आपने आपने वो पुराना बंगला मेरे नाम कर दिया? नहीं तो क्या, मुझे दे दिया। थैंक यू पिताजी। ये नाटक मत करो और मेरा काम खोटा मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे 10 लाख में से मैं अपनी फीस काट लूंगा। बैठ जा, बैठ जा। छोटे बेटे रोहित के नाम ये बंगला और 10 लाख रुपए। क्या शादी? तूने तूने मेरी इजाजत के बगैर शादी कर ली? अरे लड़की जात होकर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ये तक नहीं सोचा कि तेरा बाप इस शादी के लिए राजी है कि नहीं है? आपसे पूछने की क्या जरूरत थी? अगर आपसे पूछती तो आपका एक ही जवाब होता कि शशि काम चोर है, निकम्मा है, बेहुदा है, मुझे एक आंख नहीं भाता, वो मेरा दामाद नहीं बन सकता। तो मेरी राय जानते हुए भी तुमने से शादी कर ली? पिताजी, बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी से खाना खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। जो इंसान मेरी मर्जी की कसौटी पर पूरा उतरा, मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि जिंदगी मुझे उसके साथ गुजारनी है, आपको नहीं। ये तुम नहीं बोल रही हो बेटी,
तुम्हारे अकाउंट में रखा हुआ 10 लाख रुपया बोल रहा है। मुझे लोगों ने सलाह दी थी कि निकम्मी औलाद को हमेशा अपना मोहताज बना के रखो। वो सारी जिंदगी भले शराफत का ढोंग करेंगे मगर काबू में रहेंगे, और अगर उनके हाथ में दौलत थमा दी तो पुराने दुश्मन से भी ज्यादा कमीनेपन पर उतर आएंगे। मैं नहीं माना, आज उसी की सजा भुगत रहा हूं बेटी। पिताजी, आपको जो समझना है समझिए, हम आपका आशीर्वाद लेने आए थे, अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना हम लोग जा रहे हैं अपने बंगले पर। कौन से बंगले पे? जी वही जो आपने अपनी वसीयत में मेरी धर्मपत्नी के नाम किया हुआ है, और अब आपके दिए हुए 10 लाख रुपए में से सूद का बिजनेस करूंगा, ताकि मैं आपसे भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकूं। तुम उस बंगले में कदम नहीं रख सकते शशि। क्यों नहीं रख सकते? ये मेरे पति हैं, अगर आपने इन्हें रोकने की कोशिश की तो आप भी उस बंगले में कदम नहीं रख सकेंगे। चलो शशि, कम डालेंगे। अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना धनीराम, के बच्चों के नाम जायदाद करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब एक काम करो, कल से अपना कारोबार खुद संभालो। सही कह रहे हो तुम, जाऊंगा जाऊंगा। सर साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। तू होश में है? दिमाग खराब हो गया तेरा? फैक्ट्री के मालिक को अंदर जाने से रोक रहा है तू? आप इस फैक्ट्री के मालिक कल तक थे, आज इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ। अच्छा? जी हाँ, सिर्फ मैं। आपने खुद इस कंपनी को मेरे नाम पे किया है, और मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए ये फजूल की बहस करके मेरे वक्त को बर्बाद मत कीजिए। गोरखा जी साहब, जरा इन्हें बार का रास्ता दिखाइए। अच्छा सर। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटे, मेरा है। मैंने कांटों को इज्जत की जमीन पर बोकर अपने खून से सींचने की कोशिश की थी, पर मैं भूल गया था कि कांटे सिर्फ जख्म दे सकते हैं, खुशबू नहीं दे सकते। जीते रहो बेटा। बहू बहू, बेटी जरा बाहर आओ तो, अपने पति देव को जरा करतूत सुनना, आज मेरे साथ उसने कैसा सुलूक किया है। आरती बेटा, आरती बेटा, किसे आवाज दे रहे हैं मालिक? बहू जी तो यहां से चली गई। कहां? सुनीता बेटी आई थी, उन्हें भी अपने साथ ले गई। अब वो लोग पुराने बंगले पर ही रहेंगे मालिक। लखपतिया, देखते देखते घर कैसे वीरान हो गया, प्यार को ठुकरा कर दौलत के पर लगा के सबुड़ गए। बाटली वाला साहब, न जाने स्वर्ग जैसे घर को किसकी नजर लग गई, इसे नरक होने से बचाना है, और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है मणिराम। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप किसी भी तरह उनको यहाँ बुलवा लीजिए, वही इनके बच्चों को सबक दे सकते हैं। ठीक है लखपतिया, मैं कल ही मणिराम के पास जाता हूँ। बरखा, तुम्ही से चलता है मेरी जिंदगी का चरखा। कसम से आज तक मैंने किसी लड़की का तो देखा ही नहीं। मेरी 25 साल जिंदगी में तुम पहली लड़की हो। 25 साल? हाँ, उम्र तो मेरी 25 साल है, मगर मोहब्बत की धूप में जरा थोड़ा ज्यादा देखता हूँ, पाव तोला ज्यादा। ये दुनिया का पहला आदमी है जो दिन भर लड़कियों के पीछे भागता है और रात को उन्हीं के सपने देखता है। ओ महाराज, अगर नींद में सपने देखना बंद कर दिया हो तो उठेंगे आप? चलो उठो। सुबह हो गई। अरे दुनिया के लिए दोपहर और आपकी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हमारी गोलियां तैयार हैं? जी। तो लाओ, चेहरा चमकाने की गोली लाओ। ये लो। आंखों में रोशनी लाने की गोली लाओ। ये भी लो। जवानी को बरकरार रखने की गोली लाओ। वाह। ये लो। और बुढ़ापे को दूर भगाने की गोली लाओ। ये भी लो। और चौथी गोली दिखाऊं क्या? ये देखो ना। सुबह सुबह इस मनुष्य की तस्वीर कहाँ दिखा रहा है? ये मनुष्य नहीं है, तुम्हारी 30 साल से मंगेतर है, और मुझे रोज फोन करती है कि बुड्ढा घर पे है। अरे बुड्ढा होगा इसका बाप। वो तो कहती है। हट, सुन, मत दिखा इस मनुष्य की तस्वीर। ये बता, मेरी किसी गर्लफ्रेंड का फोन आया था? वो तो ऐसा है ना कि दिन में 100 लड़कियों के फोन आते। तबीयत खुश कर दी तूने।
अरे शर्म करो शर्म, पचपन के हो गए हो, छोड़ दो ये सबको कर्म। क्यों छोड़ दूं? पचपन में और बचपन में फर्क क्या है? प लगाओ तो पचपन होता है, ब लगाओ तो बचपन होता है। मेरा तो बचपन चल रहा है, जवानी तो आई नहीं अभी तक। नहीं आई ना, तो चलो तैयार कर दूं, क्योंकि तुम्हारी वो आने वाली है ना। ले चलो मुझे फूल की तरह। चलो फूल बनो। हट। कैसा दिख रहा हूँ? एकदम सड़ियल दिख रहे हो। मैं सड़ियल दिख रहा हूँ? जी, जाके नहा लो। नहा लो? ये विग लगाने के बाद, नकली भवें मूछे लगाने के बाद मैं नहाने जाऊँ? अरे जिस्म के बालों को हर रोज धोना चाहिए, असली हो या नकली। हा? जाओ जाके नहाओ। अच्छा भाई, आज मेरा ससुर नहीं हुआ। दरअसल ये लोग मेरी जवानी से जलते हैं। अरे आते हैं आते हैं आते हैं। धनीराम जी है? आप ही का इंतजार कर रहे हैं। रीटा डार्लिंग, माय लव, माय डार्लिंग, आई वाज मिसिंग यू। छूटा फॉर सो मेनी डेज। अरे ओ बुड्ढे, आई बीन मिसिंग यू। मुझे मोहब्बत का पोस्टर निकल गया था, उसको चिपका रहा था। तुम बहुत बेवफा हो। क्यों? तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। क्या बात करती हो, पचासों मरतबा कोशिश की, मगर ये फोन बेवफा खराब हो गया था। जब लगाता था पागल खाने में लग जाता था, बस तुम्हारी तस्वीर देख लिया करता था। तुम मुझसे बातें करती थी, मैं तुमसे बातें करता था। Really? I swear. फोन बजा, मैं उठाऊं? उठाइए। I'll go pick up the phone. अभी तो मैं जवान हूँ। हेलो। हेलो, क्यों रे बुढ़ो? क्या हाल है? इडियट, क्या हुआ? मैं नहीं, वो मैं रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, किसका फोन था? मैं रीटा डार्लिंग, आज है ना हम लोग एक फैसला करी डालते हैं, हम लोग है ना। हेलो, बुढ़ा घर पे है क्या? पागल हो गई हो? कोई औरत है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ और फोन उठाती हूँ यही पूछती है बुड्ढा घर पे है। इससे बात नहीं करना, कभी 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 बात नहीं करना इससे। ये है ना दरअसल एक पागल बुड्ढी है। पागल बुड्ढी? हाँ। लेकिन ये तो किसी बुड्ढे के बारे में पूछती है। वो मेरे बाप के बारे में पूछ रही होगी। बाप के बारे में? हाँ, ये जवानी से है ना उस पे आशिक थी। क्या बात करते हो। कसम से बस, अब उससे शादी करना चाहती है। किस उम्र में? हाँ बताओ। तो तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तो बाप बेटी की पोल खुल जाएगी ना। क्या? नहीं मतलब, मेरा मतलब दुनिया को पता चलेगा तो मेरी बाप की इज्जत चली जाएगी, मेरे बाप की इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी, मतलब अपने प्यार की इज्जत चली जाएगी। समझ गई ना? मगर इस बुड्ढी से जान छुड़ाने का एक तरीका है कि हम लोग शादी कर लें। शादी? हाँ, मेरे 55 साल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। 55 साल? तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल। तुमने 55 साल कैसे कहा? नहीं असल में क्या है, 25 साल पहले मैं पैदा हुआ था और उसे 30 साल पहले मेरी तमन्ना पैदा हुई थी, तो मिला के 55 साल हुए कि नहीं। फंस गया था। अपन शादी कर ले। ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी। बात मत करो, उनको लेकर आओ, मैं उनसे शादी कर लूंगा। क्या मम्मी? नहीं नहीं, मतलब उनको लेकर आओ, मैं बात कर लूंगा, फिर हम कल के कल शादी कर लेंगे, है ना। कितनी गड़बड़ हो रही है। अरे भाई कमाल है, दुल्हन तैयार होकर आ गई, दूल्हे का पता नहीं। आप जरा जल्दी दूल्हे को लेकर आइए। जी मैं अभी देखता हूँ। अरे पगड़ी बांधना यार, क्या कर रहा है तू? अरे कमाल हो गया, दुल्हन मंडप में तैयार बैठी है, दूल्हे का कुछ पता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, 1.5 घंटे तो मेरे सर पर पगड़ी नहीं बांध पा रहा है। अरे सर, लेकिन आपके सर पे पगड़ी अटकती नहीं तो मैं क्या करूँ? एक चक्कर घुमाकर कसने की कोशिश करो तो स्टीयरिंग ट्रैग घूमकर निकल जाती है। तो एक काम कर, मेरे सर पे कीला ठोक दे, उस पर पगड़ी बांध देना उल्लू का पट्टा। अरे तूने क्या बोला था पिछले महीने? मैं आपको ऐसा तेल लाके दूंगा, आप लगाएंगे तो सर पे इतने बड़े बड़े बाल उगाएंगे। 50,000 रुपया लिया तूने मेरे से, किधर होते? चलिए बने राम जी, देर हो रही है। अबे तो मैं क्या करूँ, ये तरबूज जैसा सर लेके मंडप में पहुँचाऊँ वो भाग जाएगी, उसको मालूम नहीं कि मैं टकलाऊँ। अरे सर पगड़ी कुमारी गोली, सेहरा ही बांध कर चल दीजिए। ये शादी कैंसिल हो जाएगी, रात को मेरे को देखते ही भाग जाएगी। चलो बांधो सेहरा।
तेरा कहाँ है? कहाँ है तेरा? कहाँ है तेरा? मैंने तो तेरे को दिया था यार, तेरे को दिया था। क्या मतलब? पिछली बार तेरे पास था। फिर अभी रहा है? इसको दिया था। अरे लानत है यार, मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। एक मिनट गोनी, गोनी क्या है? अरे उठना। अरे तेरा सत्यानाश, बताओ यानी आप अपना इतना बड़ा पतीला मेरे सेहरे पर रख के बैठे हुए थे? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे का ही सेहरा है ना, तो क्या हुआ? कुर्सी खींच के मारूंगा अभी। 20 मरता मेरी शादी कैंसिल हो चुकी है, 18 मरता तेरे हाथों कैंसिल हुई है। अरे पिछली बार दुल्हन के पैर पे पैर रख दिया, वो मंडप में पहुंचने के बजाय सीधा अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद केले के छिलके पे फिसला तो सीधा उड़ के पंडित पे गिरा, वो बेचारा वहीं चपटा हो गया, सीधा शमशान घाट पहुंच गया। गोनी अगर आज मेरी शादी कैंसिल हुई ना तो मैं तेरे को एक टन बारूद खिला दूंगा, सीधा अंगीठी पे बिठा दूंगा, फिर समझ ले तेरा क्या हाल होगा। जल्दी कीजिए मन्नी राम जी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या यार बे, क्या ये सेरा, ये जमीन पोछने का कपड़ा है? अब मैं ये बदबूदार फूल अपने मुंह पे लगा के शादी करने जाऊंगा? तेरा सत्यानाश हो। अरे जाओ जाओ, 10 सेकंड रह गए मुहूर्त को, जाओ चल। दे रहे हैं, ये क्या करूं यार, ये सेरा मैं लपेट देता हूं सर। अरे मेरे बालों पे मरती है, उसको मालूम नहीं है मैं टकला हूं, अगर मालूम पड़े तो शादी नहीं करेगी यार। क्या बातों से लपेटा, टकला दिखे नहीं, दिख नहीं रहा है यार, अंधा बना दिया। चलो लेके चलो मेरे को, आज मेरी शादी हो जाने दो, मैं जिंदगी भर तुम लोगों के पांव धो के पीऊंगा यार। क्या फोन? हेलो, बुड्ढा घर पे है? क्या कोई औरत है पूछ रही, बुड्ढा घर पे है? अबे रख जल्दी रख यार, ये बहुत बदमाश औरत है, 20 मर्दों में मेरी शादी कैंसिल करा चुकी है औरत। अरे मालूम है, मालूम है। अबे चुप, तेरे को मालूम, मेरे को मालूम थोड़ी है। उसका नाम रानी है, मैं उसका फोटो नीचे दिखाऊंगा, उसको घर के अंदर आने मत देना, चारों तरफ जासूस को फैले रहना। आप चिंता मत कीजिए सर, आने वाली हर औरत पर हम नजर रखेंगे। काहे के लिए? आपके लिए सर। शादी कैंसिल करो या क्या? अच्छा चलो चलो चलो, 5 सेकंड रह गए, चलो चलिए आइए संभाल। अबे क्या करते हो यार? चलो खड़े हो जाओ। ठहरो, यहाँ बैठने की ताकत नहीं, खड़े कैसे हो जाओ? 2 मिनट। हेलो डैडी। हेलो, ये आपके बच्चे? अरे पंडित के बच्चे यहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? डैडी आप शादी शादी खेल रहे हैं? कौन डैडी? तेरा दिमाग खराब है? आपको चश्मा लगा, उल्लू का पट्टा। डैडी मैं वो लड्डू खाऊं? इतने सारे बच्चे, इसका मतलब आप शादीशुदा हैं? नहीं यार मैं नहीं, ये झूठ बोलता है। कौन है तुम लोग? मेरे को पहचानता भी नहीं, कौन है तुम? आप हमें नहीं जानते डैडी। अरे कौन है यार, गले पड़ने को आ गए, कौन है तुम लोग? डैडी मैं आपका मुन्नू, डैडी मैं आपका खुजू, मैं कौन? डैडी मैं आपका राजू, और मैं सीता, डैडी मैं सीता, नहीं नहीं, और मैं पप्पू। राम राम, ये तो पाप है। अरे काय का पाप, मैं इनको पहचानता नहीं, कौन है तुम लोग? चलो ना डैडी, मम्मी बुला रही है। अबे मम्मी बुला रही तो अपने पाप को लेके जा, मेरे को काय को लेके जा रहा है? ऐसे पापी, क्या एक मिनट रुकना, अपना धर्म ब्रश करना है। अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या है बे, यहाँ क्या कोरस में गाना चल रहा है क्या? पंडित जी पिताजी चुप। धोखेबाज, नहीं 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 नहीं, अरे मेरी मेरे पास, अरे सासू जी, सासू जी, सासू जी, अरे क्या बे, अरे कौओं की तरह शादी पर बात करके चले गए खबीर लोग। अब ये मंडप को लगा रहे के निकाल दो, नहीं बहुत सालों से लगा ना इसलिए। शाबाश बच्चों, शादी कैंसिल हो गई ना, ये लो पकड़ो। अब दोबारा शादी कैंसिल करवाने कब आए दीदी? नहीं नहीं, तुम लोग मत जाना वरना वो बुढ़ा पकड़ लेगा। चलो जाओ जाओ। शादी की बर्बादी हो गई ना, तू खुश हो रही है? मैं जब तुझसे झगड़ा करने आता हूँ तू सर पे पल्लू डाल के मेरे पैर छूने चली आती है। तुम मेरे स्वामी नाथ? अरे मैं कोई स्वामी नाथ, प्रेम नाथ, राजेंद्र नाथ नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हो, तुम्हारी मंगनी की पहनाई हुई अंगूठी अब तक मेरी उंगली में है। ये मंगनी की अंगूठी उठा के गटर में फेंक दो और मेरी वार्निंग सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अजी कैसी वार्निंग देने आए हो, इस खकड़े हुए बुढ़ापे में किसी और से शादी कर लोगे ये? अच्छा, सारी जवानी तो तुम पर निछावर कर दीजिए मैंने, फिर मेरे को मिला क्या? जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाकर तुम्हारे घर आया तुम्हारे बाप से शादी की बात करने के लिए, तो वो साला इतनी बड़ी बंदूक लेके मेरे पीछे दौड़ा, 20 पहलवान लेके, 40 इतने बड़े बड़े कुत्ते लेके। ये तो अच्छा हुआ मैं क्रिकेट के गार्ड्स बांधा हुआ था, ये तो कुत्ते मेरा इतना बोझ नोच ले रहे, जल्दी खड़े रहे। मेरे को शहर से भगा दिया, मैं भागते भागते दूसरे शहर में चला गया, भूखा मरने लगा। मैंने सोचा कोई धंधा करना चाहिए, मैंने धंधा किया, पैसा कमाया, कमाता गया। तू सीधे खड़ा, तू क्या कर रही है? मैं कहानी सुना रहा हूँ, कोई म्यूजिक नहीं बजा रहा हूँ, सुनाइए। बहुत पैसा कमाया मगर पता चला कि कमाते कमाते 20 साल गुजर गए, पैसा आया मगर बाल चले गए, अरे अरे, दौलत आई मगर जवानी चली गई, और अब
इतनी बर्बादी होने के बाद तू चाहती है मैं तेरे साथ ही शादी करूं फिर? अरे मेरे बाप के गुनाह की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? जब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने तुम पे कुत्ते छोड़ दिए थे तो मैंने उसका घर छोड़ दिया और तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारे इंतजार में आए को पहना मंगलसूत्र मेरे नाम का? क्योंकि भारतीय नारी एक बार जिसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है उसके लिए उम्र भर इंतजार करती है। अरे ये सब फिल्मी डायलॉग है, मेरे को नहीं सुनना। मैं खाली तेरे को वार्निंग देने आया बुड्ढी, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अबे कैसे नहीं करेगा खुशर? तूने मेरा गिरेबान पकड़ी? अरे अभी तो सिर्फ गिरेबान पकड़ा है, तू शादी तो करके देख, मैं तेरा गला पकड़ लूंगी। तू मेरा गला पकड़ेगी? हाँ, तू औरत जात को समझता क्या है? मैं तेरे टुकड़े करके बोटी बोटी करके किसी कुत्ते को खिला दूंगी। कुत्ते को क्यों, मैं खुद खा जाऊंगी। तू मेरी बोटिया खाएगी? अभी तू देख, अभी तू देख, मैं तेरे सामने शादी करके बताता हूँ। अरे ये नकली मूछे, ये नकली बाल लगा के शादी करने चला है क्या? तूने मेरी भवे मूछी निकाल डाली, आईना है? अरे मत देख, घबरा जाएगा देख। क्या बात करती है? तेरे बाप ने मेरे घर पे बुलाकर मेरी इज्जत निकाली थी, तूने मेरी भवे मूछे निकाल डाली है, अब मैं शादी करके रहूंगा, देखती रहना। अरे जा जा, कैसे करता है शादी, मैं भी देखती हूँ साला। आज इन्होंने पहली मरतबा मेरे सर पे पगड़ी टिकी है, इसका मतलब शादी कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। वाह मनीराम वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे पटली वाला तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, अचानक आज इतने दिनों बाद मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है ना। जाहिर बात है, आज दरअसल मेरी जिंदगी में डबल हैरानी का दिन है। देखो ना, तुम यहाँ कभी नहीं आए, पहली मरतबा आ रहे हो, और मेरी शादी 50 मरतबा कैंसिल हुई, कभी नहीं हुई, आज पहली मरतबा हो रही है। हाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ, एक भाई दुख में डूबा हुआ है और दूसरा खुशियां मना रहा है, वाह। कौन दुखी? धनीराम? हाँ धनीराम, मेरा क्लाइंट होते हुए मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर धनीराम, और तुम्हारा भाई होते हुए तुम्हारे लिए कोई हैसियत ना रखने वाला धनीराम। पर उसे क्या दुख है? उसके बेटे हैं, बेटी है, बहू है, वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी, उसको क्या दुख हो सकता है? मनीराम तूने अपनी सारी जिंदगी लड़कियों के पीछे भागने में और उनसे शादी करने के चक्कर में गंवा दी। तुझे क्या मालूम कि बच्चों का सुख क्या होता है और बड़े होकर जब वो सुख छीन लेते हैं तो उसका दुख क्या होता है? यार तू पहले मत पूछा, बता ना क्या हुआ मेरे भाई को? घर उजड़ गया, उसकी सारी औलादें उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। से तू मेरे साथ है ना, हर घड़ी हर कदम पर? तो आज से जंग शुरू, मेरे सीधे और शरीफ भाई की हरामी औलाद के खिलाफ हम लोगों की जंग शुरू। क्या करे तू, चल मैं कल ही बंबई पहुंचता हूं। मनीराम जी जल्दी कीजिए, शादी की शुभ घड़ी बीती जा रही है। नहीं पंडित जी, शादी कैंसिल। क्या तुम और शादी कैंसिल? जी आज तक लोग मेरी शादी कैंसिल करते आए हैं, आज मैं खुद अपनी शादी कैंसिल करके जा रहा हूं। संभालो, और ये नकली मूंछ भी संभालो। हेलो बुड्ढा घर पे है? अरे तेरा सत्यानाश वहां है और आज अपनी शादी खुद कैंसिल करके जा रहा है, इडियट। मालिक मालिक, आपके भाई मनीराम जी आए हैं। कौन है? मनीराम जी। मनीराम? हाँ। कहाँ है? बाहर नीचे कमरे में। मनी परसों बात मिला है रे मनीराम। हाँ भैया, दिल के चक्कर में ऐसा फंसा रहा कि बचपन कब गुजरा और पचपन का कब हुआ पता ही नहीं चला। हाँ मगर जब बाटली वाले के जरिए ये पता चला कि मेरा भाई दुखी है तो मैं दौड़ा चला है। ए आंसू पोंछ के चेहरा मत छुपा, तेरी तो परछाई से दर्द की आवाज आ रही है। मैं
मैं थक गया हूँ भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं तुझे समझाते समझाते थक गया हूँ। जमाना बदल गया है प्यारे, वो पहले जमाने की बात है जब तुम किसी पे एहसान करो तो दुनिया तुम्हारे एहसानों के बदले बिक जाती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है कि अगर तुम किसी पे एहसान करोगे तो दुनिया तुमको ही बेच डालेगी। खैर मैं वो तेरे बड़े बेटे बेटी और बहू की दास्तान तो सुन चुका हूं, मगर वो तेरा छोटा बेटा क्या नाम है उसका, रोहित, सुना वो तो बड़ा नेक वफादार बच्चा था, वो तुझे छोड़ के कैसे चला गया? वो एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की का नाम था सोनिया। आंखों में तेरे सपने हैं, सांसों में तेरी खुशबू है, मुझे छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, जरा आके मुझसे कह दो एक बार, I love you, I love you, I love you, I love
साथी जन्म जन्म के जाना न दूर हमसे मर जाएंगे कसम से हम तो यार आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू दिल में बसा है जब से प्यार तुम्हारा हम जी रहे हैं लेकिन नाम तुम्हारा साथी जन्म जन्म के देखो देखा देखो आज मेरा दिमाग भट्टी की तरह गर्म है तुम एक शब्द भी मत बोलना देखो आज मैं उसकी कैसी खबर लेता हूँ सुनो जवान लड़की है कोई बच्ची तो है नहीं जो कुछ पूछना आराम से पूछना हाथापाई मत करना मुझे क्या करना है मुझे पता है तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तुम सिर्फ अपनी जबान को अपने मुंह के बिल में बंद रखना उसे अंदर ही फड़फड़ाने देना लगता है आ गई रुको मैं उसे ले आऊंगा क्या हुआ डैडी नाक पे लग गई नाक पे लग गई अरे भाड़ में गई मेरी नाक यहाँ कलेजे में आग लगी हुई और तुम मुझे मस्का मार कर ठंडा करने की कोशिश कर रही हो जो जो सवाल पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब दो अभी नहीं डैडी तुम्हें पूछेगा मुझे बहुत नींद आ रही है नींद आ रही है यहाँ हमारे रातों की नींद हराम हो गई है और तुम्हें नींद आ रही है कोई नहीं सोएगा आज सवाल नंबर एक मम्मी रात बहुत हो गई है कल पूछ लेना मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अपने मुंह के बिल में से अपनी जबान को बाहर मत निकालो अंदर निकालोगी तो काट डालूंगा चलो तुम वहां चलो चलो कम ऑन अब मैं तुमसे जो जो सवाल पूछता जाऊं उसका तुम मुझे सही सही जवाब देती जाओ आज सुबह कॉलेज के बहाने तुम उस लड़के के साथ मेरा मतलब है उस लफंगे के साथ क्या नाम है उसका रोहित जबड़े फाड़ कर रोहित बोलने की जरूरत नहीं है उस रोहित के साथ तुम सुबह 8:30 बजे घर से निकली और रात को 1:30 बजे तुम वापस लौटी अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दरमियान तुम कहाँ थी और उसके साथ क्या करती थी और सारी डिटेल्स मैं जानना चाहता हूँ सारी डिटेल्स हाँ एक एक सेकंड की डिटेल चाहिए कि तुम कहाँ गई थी तो ठीक है सुनिए सुबह जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठी तो डैडी रोहित क्या मोटरसाइकिल चलाता है आप कभी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठिए ऐसी मोटरसाइकिल चलाता है कि पायलट भी प्लेन क्या चलाता होगा क्या बात करती हो आपकी कसम डैडी सड़क पे ट्रैफिक जाम वो पतली पतली गलियों में से कार की छतों पे से लोगों के घरों में से ऐसे मोटरसाइकिल ले गया डैडी अगर आप होते तो उड़कर उसका मुंह चूम लेते और वो तो आपका फैन है कहता है कि सारे शहर में एक ही वकील है और वो है मिस्टर चैटर्जी और बाकी सब तो घसियारे हैं क्या बात है सुना घसियारन यहाँ लोग हमारी तारीफों के पुल बांधते हैं और तुम हो जो टाइम बम लगाकर पुल को उड़ा देती हो घसियारन और बताओ बेटी अच्छा तो डैडी जाऊं अरे जाओ जाओ बेटी तुम थक गई होगी जाओ जाओ गुड नाइट डैडी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट तब सो गए लखपतिया दादी सो गए मामा या ना हाँ सो गए सो गए मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे हाँ वो क्या है पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है रात को घूमता है देरी से वापस आता है और वो बड़े खुश है वो खुश हाँ क्या बात कर रहे हो लखपतिया पिताजी आप
वो मैं अपने दोस्त के घर गया था पार्टी में, वहां देर हो गई, फिर वो मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैं धक्का मार मार के घर लाया। क्या नाम उस लड़की का? सोनिया। नहीं नहीं, लड़की कोई लड़की नहीं पिताजी, कोई। कहाँ मिली थी वो? वो डिस्को में। नहीं नहीं, लाइब्रेरी में। नहीं नहीं, कॉलेज के लाइब्रेरी। उसे कहना कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। किस लिए? सजा दी जाएगी तुमको। क्यों? चोरी की है तुमने। हमने कोई चोरी नहीं की। आधी रात को माँ बाप से छुप कर घूमते, चोरी नहीं है? ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगी तुम। सजा देंगे कैसी? मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। नहीं 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 कराना। नहीं नहीं नहीं, शादी शादी शादी। रोहित रोहित, तारजन की तरह उछाल रहे हो? पहले तुम ये बताओ, किस खुशी में तुम परियों की तरह उड़ती चली आ रही हो? मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तुम चकरा के जमीन पर गिर जाओगे। और मैं भी तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर तुम रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगोगी। तो ये बात है, फिर जल्दी सुनाओ। पहले तुम। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। उफ, पहले तुम। देखो, पहले तुम के चक्कर में शाम हो जाएगी। ऐसा करते हैं, एक दूसरे की खुशखबरी एक पर्चे पर लिखकर एक दूसरे को देते, फिर देखते हैं किसकी खुशखबरी में ज्यादा दम है। ये बात है। हाँ? तो लिखो। तुम भी लिखो। मेरा ये सपना।
अच्छा कहो तो दे दूं मैं। चलो उतरो भाई, जल्दी उतरो। प्रणाम आंटी। बस बेटा बस। नमस्ते अंकल। अरे ठीक है बेटा, चलो अंदर चलो। आइए अंकल, ये है मेरा छोटा सा घर। अरे वाह, छोटा सा घर। अरे यहाँ तो अच्छा खासा हाईकोर्ट बन सकता है। क्या बात करते हो, एक मुकदमा तो जीत नहीं पाते, हर जगह कोर्ट कचहरी करते फिरते हो। हर बात में तुम मेरा पानी क्यों उतार देती हो, तुम बात ही ऐसी करते हो। मैंने क्या बात की। अंकल बैठिए ना आप लोग प्लीज। हाँ बैठो। आइए बेटे, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में, जी वो आ गए। माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, दरअसल मैं। हनीराम जी, अविनाश चटर्जी, तुम? माफ करना सेठ जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर में कदम रखने की? सेठ जी मुझे पता नहीं था कि रोहित आपका बेटा है। अब पता चल गया ना कि रोहित धनीराम का बेटा है। जी। इससे पहले कि धनीराम शराफत की हदों को पार करके तुम्हारे साथ कोई बेहुदा सुलूक करे, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। गेट आउट। चलो बेटे। खैर अंकल चलो, सुन चलो अंकल। देखिए देखिए, इस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती बेटी, चलो निकलो यहां से। रोहित मेरी बात तो सुनो। रोहित, ये आपने क्या किया पिताजी? करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन चूंकि वो लोग तुम्हारे साथ आए थे, इसके अपने जज्बात पर काबू रखा, वरना ठोकरें मार के उनको बाहर निकाल देता मैं। लेकिन क्यों? इस नफरत का कारण क्या है? कारण जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है पिताजी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, और अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो उस लड़की का ख्याल अपने जहन में नहीं लाओगे। सिर्फ इतना याद रखो कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, हर किसी नहीं बन सकती। मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे डैडी, आपको बताना ही होगा। क्या बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से रोहित के डैडी ने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला? कहा ना कुछ नहीं है। नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा डैडी। क्या बताऊं मैं, हा? क्या बताऊं मैं तुम्हें? अब 20 साल पहले वो कुछ मुकदमा लेकर आए थे, बड़ी आस थी उस मुकदमे को जीतने की, और मैं वो मुकदमा हार गया। बस उस दिन से मैं उनका दुश्मन बन गया, बड़ी नफरत करने लगे मुझसे। इतनी मामूली सी बात के लिए इतना बड़ा अपमान? नहीं, जरूर कोई और बात होगी। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, लेकिन सिर्फ एक मुकदमे के लिए
सिर्फ एक मुकदमे के लिए। तू फालतू की बहस मत किया करो मेरे साथ। और दूसरी बात, तुम माँ बेटी अपने दिल से ये बात निकाल दो, सोनिया की शादी रोहित से नहीं हो सकती। ये उस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। सेठ जी, बहुत कमजोर और जहरीला आदमी जो गालियां सुनने के बाद फिर आ गए हो। सेठ जी, मैं आपसे एक विनती करना है। ठीक है, जल्दी बको। अपनी बेटी को आपके घर में ब्याहने की बात तो दूर रही, मैं तो अपने आप को आपकी दहलीज पे सर रखने के भी काबिल नहीं समझता। बस एक विनती है मेरी, मैंने जो पाप किया है, मैंने जो जुर्म किया है, वो बात मेरी बीवी और मेरी बेटी को आप हरगिज मत बताइएगा। आपको रोहित की सौगन। सेठ जी, इंसान दुनिया की नजरों से गिरकर फिर भी जी लेता है, मगर अपनी पत्नी और अपनी औलाद की नजरों से गिरकर वो जीने के काबिल भी नहीं रहता। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। जिंदा रहना और जीना तो दूर की बात है। तुम इतने गिरे हुए हो कि पाताल भी तुम्हारे गिरावट के मुकाबले में आकाश से ऊंचा नजर आता है। लेकिन तुमने आज मेरे बेटे रोहित का मुझे वास्ता दिया, इसलिए मैं तुम्हारे गुनाहों से पर्दा हटाकर तुम्हारी शैतानी सूरत तुम्हारे घर वालों को नहीं दिखाऊंगा। मेरे राज किसी को नहीं बताऊंगा। जाओ। शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आ ना यार, आ जा, आ जा, देख रहे हैं? चल आ जा। देखो साले साहब कौन आया है। अरे रोहित, तुम ये तुम्हें कहां मिल गया? सड़क पर परेशान होकर घूम रहा था बेचारा, सोचा दुख के दवाखाने में ले चलूं। बहुत अच्छा किया। बैठ रोहित, बैठ, आओ बैठो। अब बोल रोहित, क्या बात है? क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आता। सोनिया के पिता ने तो उसको घर में कैद कर रखा है, और पिताजी का तो आपको पता ही है, मुझ पर पाबंदी लगा रखी है। देख रोहित, पाबंदी में बंदी रहता है, गुलाम और कैदी। अगर आज तू पिताजी की जिद में कैद हो गया ना, तो सारी जिंदगी उनका गुलाम बनकर रह जाएगा। तो क्या करूं? बगावत। उस बुड्ढे से साफ कह दे कि तू सोनिया से शादी करेगा। अरे दुनिया की कोई ताकत तेरे को नहीं रोक सकती, बोल दे उस बुड्ढे को। उनके सामने मुझ में कहने की हिम्मत नहीं है भैया। तो ये है ना हिम्मत की दवा, इससे पीने से बकरी शेर बन जाती है, गूंगे की जबान चलने लगती है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है। ये ले पी और कर डाल अपनी जिंदगी का फैसला। चल पीना यार। नहीं भैया। पी ले, पी ले, चल। इट इज वेरी एनर्जेटिक। खींच डाल, खींच डाल। या भाई हो तो ऐसा करी है। रोहित, कहाँ से आ रहे हो? शराब पीकर। बेशरम, बेहया, शराब के चंद घूंट क्या पी ली, आंख का पानी मर गया, दिल से बाप के प्यार का रंग उतर गया। प्यार? अगर आप मुझसे वाकई प्यार करते हैं पिताजी, तो फिर आप सोनिया से मेरे शादी के खिलाफ क्यों हैं? अगर दिन में इज्जत के साथ होश में आके मुझसे सवाल करते तो शायद मैं तुम्हें बता भी देता, मगर मैं शराबियों के साथ बहस करने का आदी नहीं। आपको बताना पड़ेगा पिताजी, वरना मैं क्या करूंगी? वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, बाप ने उंगली पकड़कर दहलीज तक चलना सिखाया, आज चलने के काबिल हो गए तो दहलीज पार करके घर छोड़ने की धमकी दे रहे हो मुझे? ये मेरी जिंदगी का सवाल है पिताजी। दो दिन की मुलाकात में वो लड़की तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अपनी जिंदगी को जलाकर बुढ़ापे की राख पर बैठा हुआ ये बाप दुश्मन बन गया। बात उस लड़की की नहीं है पिताजी, बात उस राज की है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं।
और वो राज क्या है? वो राज मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने किसी को जबान दी है और मैं अपने उसूल तोड़ा नहीं करता। ठीक है पिताजी, आप अपने उसूलों पर अटल रहिए, मैं अपने उसूलों पर अटल हूं। आपको आपका ये घर, आपके उसूल मुबारक हो। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। तूने बहुत अच्छा किया रोहित, जो पिताजी का घर छोड़कर आ गया है। मैं जानता था कि तेरे साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। वो हमारा बाप थोड़ा ही है, सांप है सांप। और वो घर, घर नहीं कैद खाना है, जहाँ हर तरफ जिद के उसूलों की सलाखें लगी हुई हैं। और ये इसीलिए तो उन सलाखों को तोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गया। अब ये उस कैद खाने में, बल्कि मैं तो कहूंगा पागल खाने में कभी नहीं जाएगा। अरे ये उन सलाखों को तोड़कर निकल आया ठीक है, मगर उस लड़की का क्या होगा जो अपने माँ बाप के घर में कैद पड़ी है? छी छी छी, तू एक काम कर, जो मैंने किया था ना वही कर। लड़की को भगा कर यहाँ पर ले आ, शादी कर ले और किस्सा खत्म कर। भगा कर? हाँ हाँ भगा कर। भगा कर उसे ले कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं है। क्या ए, ये क्या है? ये घर है ना? अरे तू हमारे साथ रहेगा इसी घर के अंदर। तूने क्या मुझे पिताजी समझ रखा है? अरे मैं तेरा भाई हूँ, बड़ा भाई। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तेरी बहन हूँ। और मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। देखा नहीं कितने सालों से यहाँ पे सड़ रहा है। अरे जब तेरे अपने इतने सारे यहाँ पे मौजूद हैं, तू फिक्र क्यों करता है? अरे जा और उस लड़की को भगा कर यहाँ पर ले आ। अरे सोच के आ रहा है, जा ना। हाँ भाई जा जा जा, ऑल द बेस्ट। ठहरो, तुम सोनिया से नहीं मिल सकते। सोनिया से नहीं मिल सकता? क्यों अंकल? क्योंकि तुम्हारी शादी सोनिया से हरगिज नहीं हो सकती, और ये फैसला तुम्हारे पिताजी कर चुके हैं। मेरे पिताजी कौन होते मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं सोनिया से मिलूंगा अभी और इसी वक्त। मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। अच्छा तो आप गुंडागर्दी पर उतर आए। देखो दोस्त, हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं, शराफत से तुम यहां से चले जाओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम लोग? अभी बताते हैं। मछली साला, और साले को अब आएगा यहाँ से मिलना है। करेगा बस बस। हेलो, बाहों में आ
मनीराम जी हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। क्या हुआ? आपका बेटा हमारी बेटी को भगा ले गया है। कौन? रोहित? जी हाँ, उसने हमारे मुंह पे कालक पोत दी। पुलिस में इसलिए शिकायत नहीं की कि सारी दुनिया को खबर हो जाएगी और लड़की जात एक बार बदनाम हो गई तो सारी जिंदगी माँ बाप के सीने पे पत्थर की तरह पड़ी रहती है। मैं जानता हूँ ये बेहूदा हरकत करके वो कहाँ जा सकता है। आप चिंता मत कीजिए, आइए मेरे साथ। जी आइए। चलिए। अरे भाई मुबारक हो, छोटे भाई की शादी हुई है, मुबारक हो। क्या बात है भाई, दुश्मनों के दिल को तो आग लग गई होगी। मगर किस्मत तो हमारे साथ है। क्या बात है, जलने वाले जला करें। मुबारक हो। अरे मुबारक हो, करीब आ जाओ। अब सुन ली अपने भाई की दुख भरी दास्तान? सुन ली। जब इस पत्थर जैसे दिल से दर्द के आंसू बह सकते हैं तो शराफत के मोम से बने इस दिल पे न जाने क्या बीती होगी। वो तो ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? करेंगे क्या? उन हराम खोरों को सबक सिखाएंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि अगर बाप बूढ़ा हो जाए तो बाप रहता है, नौकर नहीं हो जाता। उनका घमंडी सर तोड़कर बाप के कदमों में झुकाएंगे। नहीं मैंने, नहीं, मेरे बच्चों को तकलीफ मत पहुंचाना। बच्चों को? लुच्चों को कहने के बजाय उनको बच्चों को कह रहा है, बेशरम। नहीं, कुछ भी हो जाए, वो मेरा घर छोड़ जाए, मुझे छोड़ जाए, मगर मेरे दिल से नहीं जा सकते। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं वो लोग। मेरा दिमाग खराब मत कर फनी। बड़ा आया दिल में रखने वाला, वो साले जेल में रखने के लायक नहीं है, ये उनको दिल में रख रहा है। मगर मनी? कुछ मनी वनी नहीं। अरे भाई मेरे, ईमान की बात यह कि हम लोगों के भाग में बाल का सुख है ही नहीं। मेरे सर से बाल निकल गए, तेरे घर से बाल बच्चे निकल गए। अब जिस तरह मैं अपना टकला छुपाने के लिए दूसरे बाल लगाता हूँ, तो अपना गम भुलाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल कर। मगर क्या क्या करूं? मतलब यह कि आज तक तुम अपने अंदाज की जिंदगी जीते रहे हो, मगर आज के बाद मेरे अंदाज की जिंदगी जियोगे। मैं समझा नहीं। अरे अभी एक दिन में कैसे समझ जाओगे? अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी औलाद भी क्या याद करेगी ये चाचा ने क्या दम निकाला है। मगर तेरे बच्चों पे कोई जुल्म मत करना। तू चुपचाप बैठे रहे, मुझे अपना काम करने दे। जा जा भाई मेरे, जा, मुझे जंग की तैयारी शुरू करने दे। अरे जा भाई, जा जा, जा, जा। अब बोल क्या फसाना है। शरीफ बाप की हराम खोर औलाद को इंसान बनाना है। बिल्कुल। मगर मैं शहर में नया और तू पुराना है। बिल्कुल। तो चक्कर ये चलाना है कि धनीराम को एक नई चीज बनाना है। हाँ। ताकि देखे कोई ये न कहे कि ये तो पुराना है। अरे तूने तो बना दिया गाना, बोल किसका बैंड है बजाना। समझ गया, नाचने वाले, गाने वाले, मालिश करने वाले, दबाने वाले, बाल बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े पहनाने वाले, कपड़े उतारने वाले। अरे बस चुटकी बजाता हूँ और अभी इंतजाम करके आता हूँ। मनी तू मुझे बता तो सही, ये बाटली वाला के घर मुझे लाया किस लिए? अरे बताता हूँ, तू बैठ तो सही। क्या है? आओ भैया आओ। लो भाई मनीराम, तुम्हारे कहे अनुसार मैं इन सबको साथ ले आया हूँ। अब अपने हाथों का चमत्कार धनीराम पर दिखाएंगे, तुम इनको संभालो, मुझे कोर्ट जाना काम से। एक मिनट। अब क्या है? मुझे काम है यार, ये तस्वीर अखबार में छपने को दे दे कि इस 55 साल के आदमी की शादी करना है, इसके लिए लड़की की जरूरत है। पता अपने ऑफिस का दे दे। क्या मतलब? तुम धनीराम की शादी करवाना चाहते हो? पागल तो नहीं हो गए हो? अरे नहीं यार, जैसे बोलता हूँ वैसे करना, छपने को दे देना।
लेकिन तुम्हें उसकी शादी करके मिलेगा क्या? मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे भाई के बेटों को झटका जरूर लगेगा जब उनको पता चलेगा कि नई माँ के आने के बाद उनको जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो हिल तो जाएंगे ना थोड़ी देर के लिए। मान गया मानी राम, बिल्कुल मान गया, मैं भी इश्तिहार छपवा कर आता हूँ। कौन लोग हैं? तू मुस्कुरा के रहा, जवाब देना, कौन है ये लोग? ये शरीर की गाड़ी के मैकेनिक हैं। क्या मतलब? जैसे गाड़ी का मैकेनिक पुरानी गाड़ी को रिपेयर करके कलर करके नई गाड़ी बना देता है, उसी तरह ये पुराने आदमी को पॉलिश लगा के चमका के जवान बना देते हैं। मतलब अब इस उम्र में तू जवान बनेगा? मैं तो पैदाइशी जवान हूं और मरने के बाद भी जवान रहूंगा। ये तुझे जवान बनाने आए? क्या बेहुदा बात करता है? बेहुदा बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुझे जिंदगी के रास्ते पर चलने का असली पैंतरा बता रहा हूँ। पहले तू जवान बनेगा, फिर किसी हसीना के दिल का मेहमान बनेगा, उसके बाद शादी करेगा। क्या शादी? अरे बैठना यार, तू क्या समझ कर? अरे तू बैठना यार, तू क्या समझ कर? तू क्या समझ कर? तू क्या समझ कर? अपना भाई समझ कर, अपना फर्ज समझ कर, इसलिए मुझसे बहस मत कर, जैसा बोलता हूँ वैसा कर। मैं ये बेहुदा काम कभी नहीं करूंगा। अरे तेरा तो अच्छा भी करेगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं करा के रहूंगा। देख मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे तोड़ दे यार, पर दिल मत तोड़। देख मनी, देख धनी, जिद मत करना, देख अच्छा नहीं होगा। तू नहीं माना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? तेरे ऊपर जबरदस्ती हमला करवा दूंगा। अरे जा जा, कभी नहीं करा सकेगा। ये बात? हाँ यही बात है। पहलवानो लड़कों से अगर लड़ना है तो लड़कपन में आना ही पड़ेगा, बचपन से निकल कर बचपन में आना ही पड़ेगा। मनीराम जी, लीजिए पेश है आपके बचपन का बचपन में जवान भाई। मनी, ये क्या कर दिया रे तूने? कुछ मत बोल भाई। अरे तेरे को देख कैसे लगता है जैसे तेरे बेटों के खिलाफ वादी जंग जीत गया हूं मैं। इसके बाद भी जो कुछ मैं करूं ना, तो मेरे करने देना, इनकार मत करना, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, इनकार मत करना। हाँ छी छी छी, क्या जमाना आ गया है, बाप बेटे के पांव पड़ता है। ए, कौन बाप? मैं इसका बाप नहीं हूँ, इसका भाई हूँ। अरे वाह कमाल है, मैंने तेरा जवान बना तो दुनिया मेरे को तेरा बाप बोल रही है, इसका भाई हूँ। अच्छा तो कल मिल रहे हैं ना? ओके, बाय बाय। क्या है तू गई काम से? क्यों, तेरा बरसों का सपना टूट गया? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? हाँ रानी, वो तेरा टकलू है ना मणिराम, हाँ? वो शहर से भाग कर पुलिया बदल कर शादी कर रहा है। शादी? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये देख क्या पोज मार के बैठा है। अच्छा, तो टकलू महाराज ने लंबे बाल लगा लिए, नाम बदल लिया,
अरे तू कितने भी हुलिये बदल बुढ़ाओ, मैं तुझे हर हुलिये में पहचान के रहूंगी। इतने साल मैंने तेरा इंतजार किया और अब तू किसी और से शादी कर लेगा? असंभव। संभाल बुढ़े, मैं तेरी जिंदगी में बम बनकर तुझे तबाह करने आ रही हूँ। चल गुड्डी तैयार हो जा। चलो तैयार। अरे ये देख, 55 साल के बुढ़े ने 20 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया। क्या हो रहा है इन बुढ़ों को यार, ये क्या? लो पढ़ो आज की ताजा खबर, आपके पिता महोदय 55 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। शादी? जी हाँ शादी, आपके लिए नई माँ ला रहे हैं वो। अरे ये 55 साल की उम्र में कुछ गड़बड़ है, ये भी जरा दिखाना भैया। देख शादी, बड़े शर्म की बात है पिताजी इस उम्र में शादी करेंगे। अरे शर्म गई झन्नू में, हमें शर्म और मुरव्वत से क्या लेना देना? क्या बेटे बेटे नुकसान हो गया है, हमारा लाखों रुपया डूब गया है। वो औरत आएगी ना नागिन बनकर, पिताजी की सारी दौलत और लाखों की जायदाद की अकेली मालकिन बन जाएगी। हम कब से आस लगाए बैठे हैं कि ससुर जी लुड़केंगे और सारी दौलत हमारी हो जाएगी। यहाँ तो कोई और औरत आकर हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर रही है। मैं देखता हूँ 55 साल का यह जवान बुढ़ा इस घर के अंदर बीवी कैसे लेके आता है। मणिराम जी, ये कौन है? मैं हूँ लखपतिया धनी राम। मालिक ये क्या हुआ आपको, आप जवान कैसे लगने लगे? मैं बताता हूँ, मेरे पूछना, ये तेरा मालिक जो है ना, ये रिवर्स में जा रहा है। गाड़ी कैसे रिवर्स में जाती है? बुढ़ा हो गया था, अभी बिना गोलियां खाए जवानी की तरफ जा रहा है। अरे तूने मुझे क्या कर दिया, इसकी हालत देख, तू दीदे फाड़ के क्या देख रहा है? काया कलब देख रहा हूँ। हाँ मतलब की बात बोल, काय को आया है? मैं तो मालिक को बताने आया था कि उनके बेटा बेटी बहू और दामाद मिलने आए हैं। ए, मालिक मैं जानता था अखबार में अपने बाप की शादी की खबर सुनकर पैर को सर पर रखकर दौड़ते हुए चले आएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने बाप का बदला हुआ होलिया देख कर वापसी में अपने अपने घर का एड्रेस भूल जाएंगे, मालूम था मेरे को। मगर धनी तू एक बात याद रखना, नीचे जाने के बाद उनके सामने कोई शराफत, कोई मुरव्वत, कोई प्यार, कोई मोहब्बत कुछ नहीं दिखाएगा। जो डायलॉग मैंने तुझे याद कराए वही कहेगा, जो नाटक की रिहर्सल कराई है वही जाके करेगा। वहां जाकर कहीं उनके प्यार में पिघल कर मोहम्मत बन जाना, बल्कि औलाद की गद्दारी में झुलती हुई औलाद की तलवार बन जाना और उसी से उनके गर्दन काट डालना। क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ तो बोल, मैं देख रहा हूं ऊपर से सब। ये ले पेन। यस फरमाइए। हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, आप हमारे पिताजी को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। लक्ष्मी अपनी औलाद को देख रही है जो अपने बाप को भी पहचानने से इनकार कर रही है। हाँ पिताजी। अरे ये तो वाकई में ससुर जी है। अरे हाँ ये तो सचमुच पिताजी है। कमाल है, ससुर जी जवान हो गए, उल्टा मैं इनका ससुर देख रहा हूँ। यस मिस्टर गोविंदराम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, फरमाइए मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मैं जी वो हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ हम लोग आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं क्या गलत कर रहा हूँ मेरे बूढ़े बच्चों? सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, कॉलेज में रोहित को लड़के चिढ़ाते कि तुम्हारा बूढ़ा बाप बुढ़ापे में नहीं माल आ रहा है। तो बुलाओ उन लड़कों को, तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों को, तुम लोगों मेरे साथ खड़ा करके फैसला करें कि बूढ़ा कौन दिखता है। ऐसे हुलिया बदलने से, बालों को काला करने से आपकी उम्र कम नहीं हो जाएगी? इस उम्र में शादी करना आपको शोभा नहीं देता, सबके सामने हमारी गर्दनें झुक गई हैं। यही तो मैं चाहता था कि तुम लोगों की गर्दनें झुक जाएं, तुम्हारे भी दिल पे चोट लगे, ताकि तुमको भी महसूस हो कि जब यहाँ चोट लगती है तो कितना कस के दर्द होता है। इसलिए बच्चों ये खेल शुरू तो तुमने किया था, मगर इस खेल को खत्म मैं करूंगा, इसलिए अबाउट टर्न क्विक मार्च एंड गेट आउट।
गेट लॉस्ट आउट। चलो जी। तुम जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। एक मिनट इन आइनों के तीर मारना बंद करो और मतलब की बात करो। ये जरा दिल का मामला है। मैं तो दिल लगाने आई हूँ, मैं तो दिल चुराने आई हूँ, मैं तो दिल में समाने आई हूँ, मैं तो दिल को खोलकर पी जाने आई हूँ। एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दो। आपके होने वाले पति की उम्र 55। प्यार करने वाले दिल देखते हैं, दिल वाले की उम्र नहीं देखते। वैसे भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं है। मेरी उम्र की बात नहीं हो रही है। मैं तो आपको देखते ही दिल दे बैठी हूँ। क्या बात कर रही हो। मैं तो आपके नैनों की शिकार हो गई हूँ। मुझे देखना बंद हो गया है। सच तुम मेरे हो? नहीं नहीं तुम मेरे हो। नहीं नहीं तुम मेरे हो। नहीं तुम मेरे हो। तुम मेरे हो। अरे मैं किसी का नहीं हूँ। शादी मेरी नहीं है, शादी धनी राम की है। अरे अरे सुन। बचपन की दिल है बचपन का, उम्र है बचपन की दिल है बचपन का। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस की, मैं 18 बरस की, ओ मेरी जान। मुझे 19 लगा, मैं 20 की राजा, 21 की मैं पूरी जवान। 16 17 18 19 20 और का झमेला, 16 17 18 19 20 और 21 का झमेला। मेरी उम्र गई है बीत, अब ना होगी किसी से प्रीत, मेरा पीछा छोड़ो रहने दो अकेला रे अकेला। ये बुद्धू बोला बाला यार मेरा, उम्र
बचपन की, दिल है बचपन का, उम्र है बचपन की, दिल है बचपन का। जिन्होंने खुद फांसी के फंदे अपने गले में डाले, मैं ना करूंगा ऐसी भूल, मुझको फांसी नहीं कबूल, मेरे मालिक तू इन परियों से बचा ले रे बचा ले। कभी तो सुर में बोल यार मेरे, उम्र बचपन की, दिल है बचपन का, उम्र है बचपन की, दिल है बचपन का। फिर से हम का उल्लू बना रहे, बाटली वाले तेरा ढक्कन गायब कर दूंगा, जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। घड़ी घड़ी जो करे न हेलो टाटा बाय बाय, नकली में कब से चेहरे पर जो ना करे पुताई, तुम सब 16 से 21 होगी शायद वो 32, जिसको अपनी मैं बनाऊंगा लुगाई रे लुगाई। सच बोला यार मेरा, उम्र बचपन की, दिल है बचपन का, उम्र है बचपन की, दिल है बचपन का। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस की, मैं 18 बरस की, ओ मेरी जान, मुझे 19 लगा। सत्रह अठारह उन्नीस बीस और 21 का झमेला, 16 17 18 19 20 और 21 का झमेला। मेरी उम्र गई है बीत, अब ना होगी किसी से प्रीत, मेरा पीछा छोड़ो रहने दो अकेला रे अकेला। ये बुद्धू बोला बाला यार आ, उम्र बचपन की, दिल है बचपन का, उम्र है बचपन की, दिल है बचपन का। बाटली, ये मेरा भाई तो अपने जान में फंसे नहीं, भाग गया। अरे इतनी मेहनत की, साला फिर भी भाग गया। एक काम कर चले यार, लगता है ऐसी लड़कियां इसको नहीं चलेंगी, कोई सीधी सादी शराफत वाली लड़की देख, जो बनाव सिंगार से नहीं प्यार और शराफत के वार से इसको मारे। अरे ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ यार। अरे तू निकालना कोई आइडिया, निकालना तेरी आईडी की बाटली बहुत होगी यार, मैं तो नहीं आया हूँ। एक बात बताइए, शादीशुदा चलेगी? सेकंड हैंड? अरे तू गाड़ी की बात कर रहा है कि लड़की की बात कर रहा है?
मेरा मतलब है कोई भी चलेगी ना। कोई भी क्या मतलब, तू काली कलौटी पकड़ कर लाएगा थोड़ी चलेगी। नहीं माना कि चांद का टुकड़ा न हो मगर काला तवा भी नहीं हो, न नारियल के झाड़ की तरह लंबी हो न झाड़ू की तरह छोटी हो, न पापड़ की तरह पतली हो न बुलडोजर की तरह मोटी हो, ऐसी को ढूंढ के ला। मेरा मतलब है तलाकशुदा या विधवा, इस तरह की मतलब चलेगी? अरे विधवा मिलेगी तो जरूर चलेगी, बल्कि दो लेकर आना। दो का क्या करेगा वो? एक उसके लिए एक मेरे लिए। अरे तू अपनी फिक्र मत कर, बीच में टांग मत अड़ा। नहीं तो मैं भी देखना, बचपन को अभी तक शादी नहीं हुई है, 50 मरता मंडप में क्या मर, कभी फेरे ही पूरे नहीं हुए, आधे में ब्रेक लग गया। एक तो तेरे सामने कैंसिल करके आया हूँ। अब चुप रहा तू। अच्छा नहीं ना यार, भड़कता का है कोई? तो तेरी डायरी तो देख, उसमें कोई लड़की है कि नहीं? इसमें तो कोई नहीं है भाई। ये कौन? अरे इसको तो मैं भूल ही गया था। क्या 55 साल? आप 55 साल के बुड्ढे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं? इसकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन इज वेरी स्वीट, वो जितना बुड्ढा दिखता उतना है नहीं। आप उससे मिलेंगे तो सब समझ जाएंगी। जी माफ करिए, मैं किसी 55 साल के बुड्ढे के साथ शादी करने के लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं। प्रिया जी, मैंने कहा ना आपसे, निकल जाइए मेरे घर से। दोबारा मुझे नहीं भेजना ऐसे, मना कर दिया उसने, मना कर दिया उसने। अरे क्या मना कर दिया यार, तेरे को एक लड़की शादी के लिए पटाने वाला, तेरे से वो भी नहीं हुआ? उसे नहीं होता, उसने मना कर दिया। मैं ट्राई करता। अरे तू क्या ट्राई करेगा यार? अरे नहीं मानेगी तो मैं पैर पकड़ के लेट जाऊंगा यार। लेट के दिखा, जा लेट जा, जा, जा। तू दुआ करना। ला। जी? मैं मनीराम। आइए। थैंक यू। गेट आउट। बड़ा है समझाने का। पैर में लेट कर आया था, चांस ही नहीं दिया उसने। तू क्या हंस रहा है? तू तो ऐसा लगता है जैसे तू गया तो तूने पटा लिया था, खाली मैं हार के आ रहा हूँ। मैं पटा कर आता हूँ, लेट जाता हूँ। अरे अरे तुम क्या चले भाई? वैसे भी तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगे तो नहीं, तो मैं खुद ही कोशिश कर लेता हूँ। अरे मजा भाई, तूने मेरी तरह थप्पड़ खाएगा। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम धनीराम है। अच्छा अच्छा, आप भी हैं जी? दो मिनट में आइए 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 आइए। पता नहीं और कितने समझाना है। समझाना यार। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो खुश है ना? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। ये नहीं कर सकता तो तू नहीं कर सक, ऐसे किया कैसे यार? ठीक है ना? ये दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। क्यों मणिराम जी, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? अरे मुंह क्या, मैं खुद पूरा लटक गया हूँ। ये मेरे भाई धनीराम ने लड़की पटाई कैसे? 30 साल गुजर गए लड़कियों के मोहल्ले के चक्कर काटते काटते, कसम से बोलता हूँ एक लड़की नहीं पटी आज तक, इसका मुख ने एक एक मिनट में लड़की पटा ली। अरे छोड़ो ना, नाश्ता ले आऊं। नाश्ता? एक काम कर, उस नाश्ते में थोड़ा जहर मिला के ले आ, नहीं तो मेरे भाई धनीराम से पूछ उसने लड़की पटाई कैसी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर, पूछेगा ना? ओफो बंद भी करो, मेरा तो सर दुखने लगा है, मेरे कलेजे में दर्द होने लगा है, मेरे कलेजे के हर मोहल्ले से आवाज आ रही है कि धनीराम ने लड़की पटाई कैसे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं नहीं करूंगा बाप रे। अरे इसको मोहब्बत हमारा मैदान है, हम आशिक लोग हैं, ये साला कल का बच्चा, बहु बेटी वाला शरीफ इंसान, औरतों के साइज से बचने वाला, एक मिनट में से लड़की पटा ली। क्या हाल है मुनीराम साहब? इसका नाम क्या है? धनीराम। मालूम है धनीराम। ए धनीराम, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हम लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे, शादी करके आ रहे हैं।
नहीं यार, शादी कर ली। हाँ कर ली। अच्छा बहुत थक गए हैं, जरा आराम करके आते हैं। बाय बाय। अच्छा देखा, ये जूते पे जूते मार रहा है। कल लड़की पटाई, आज शादी रचाई, यहाँ अपने हाथ में एक लड़की नहीं आई। ओहो रोइए मत, आपकी भी हो जाएगी। अरे क्या खाक हो जाएगी, लानत भेजो, मुझे तो लगता है मेरे हाथ की रेखा में शादी की रेखा ही नहीं है। सारी जिंदगी लड़कियों के पीछे ऐसे भागा हूँ जैसे पुलिस वाले चोर के पीछे भागते हैं। बड़ी मुश्किल से अगर कोई लड़की हाथ में आती थी, शादी के लिए तैयार होती थी, तो वो हरामखोर रानी बीच में आती थी या उसका फोन आ जाता था। बुड्ढा घर पे है? हेलो बुड्ढा घर पे है? अरे तेरा सत्यानाश, तू मरेगी नहीं क्या रे? तेरा नाम भी और तेरा फोन आ गया। अरे मैं तो तुझे मार कर ही मरूंगी बुढ़ाओ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुझे। तेरा सत्यानाश करने ही मैं बम्बई पहुँच गयी हूँ। बम्बई आ गई है, मेरा सब कबाड़ा हो जाएगा, मैं जल्दी से धनीराम का काम खत्म करके बम्बई छोड़ के भाग जाता हूँ। मैं क्या करता? हाँ एक काम करना, कल धनीराम और उनकी ये जो बेगम है, इनको उनके बेटों के पुराने बंगले में भेजना है। मगर पुराने बंगले क्यों? अबे बेवकूफ, दुश्मनों को फोड़ने के लिए दुश्मनों के घर में रहना पड़ता है। तू एक काम कर, कागज पकड़, कलम पकड़, और जैसे खत लिखाता जाता हूँ वैसे लिखता जा, और जैसे गालियों के अंदाज में लिखाऊंगा ना वैसे जाके उधर सुनाना, लिख। हाँ बोलिए, मैं लिख लूंगा। मेरी नमक हराम औलादो, मेरी नमक हराम औलादो, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हाँ, तुम लोगों ने अपनी खुशियों में तो मुझे शामिल नहीं किया, मगर मैं तुम्हें अपनी खुशी में जरूर शामिल करूंगा। कल सुबह मैं अपनी पत्नी के साथ तुम लोगों के पास रहने आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अपनी नई माँ का दिल खोल कर स्वागत करोगे। करोगे? नहीं, हरगिज नहीं लखपतिया। उनसे कहना कि उनका यहाँ कोई स्वागत नहीं करेगा, वो यहाँ आने की तकलीफ ना करें। नहीं रोहित, नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, आखिर वो हमारे पिताजी हैं, अगर उनका आना तो आने दो। ठीक है जी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ रोहित, हमें उनका स्वागत करना ही पड़ेगा। तो आप शौक से कीजिए भैया, वो जब तक मुझे सोनिया के पिता से दुश्मनी का राज नहीं बताएंगे तब तक मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। चलो सोनिया। तुम्हारे पिताजी जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो दिखावा हो या सच हो, लेकिन वो सही कर रहे हैं। उस इंसान ने जिंदगी भर दुनिया में अपने दोनों हाथों से बांटा है, हर एक की झोली में सुख भरा है, और बदले में उन्हें मिला है सिर्फ धोखा फरेब। कहीं भी सच्चा दोस्त, सच्चा प्यार नहीं मिला। आपको कैसे मालूम? आप क्या जानते हैं उनके बारे में? मैं क्या जानता हूं? मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। सोचा था कि जिंदगी में ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि वही राज मेरी बेटी की जिंदगी और मेरे दामाद का घर उजाड़ रहा है। जिस राज के कारण बेटा तुमने अपना घर छोड़ा ना, वही राज मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। 20-22 साल पहले की बात है। तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस में फोन मत किया करो, घर पे आके मिला करो, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा माल कल रात तक पहुंच जाएगा। अरे यार, फैक्ट्री से माल निकालना कोई आसान काम थोड़ी है, टाइम लगता है, और उस तीये धनीराम ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। आइंदा ऑफिस में फोन मत करना। आइंदा तुम्हें भी ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे धनीराम, तुम खैरियत तो है ना? तुम कब आए? बस सही वक्त पे आया हूँ। चोर बेईमान, उठे कुर्सी से और निकले वाले कबिंदे। अरे धनीराम, किससे बात कर रहे हो तुम? मैं इस कंपनी में तुम्हारा पार्टनर हूँ, कोई चपरासी पड़ासी नहीं। अरे तुम चपरासी के लायक नहीं हो, पता नहीं मैंने तुम्हें पार्टनर कैसे बना लिया। धनीराम बेईमान, हलाल की दो वक्त की रोटी हजम नहीं होती है तो रातों को फैक्ट्री से माल चुरा कर बेचते हो, पार्टी से पेमेंट आती तो बिना बताए लेके खा जाते हो। मैं चाहूँ ना तो तुमको इस जुर्म में जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। मैं पुराने ताल्लुकात की इज्जत रखते हुए ये कदम नहीं उठाऊंगा।
सिर्फ एक काम करूंगा, तुमको पार्टनरशिप से अलग करता हूं अभी और इसी वक्त। पार्टनरशिप में रखना या अलग करना तुम्हारा काम नहीं है धनीराम, ये काम अदालत का है और अब ये फैसला अदालत में ही होगा। अच्छा, चोर होते हुए भी अदालत जाओगे? ठीक, तब तुमसे मुलाकात अदालत में होगी। हाँ, अदालत में मिलेंगे। अच्छी बात। सेठ जी, मैंने आपकी ये पार्टनरशिप डीड और फैक्ट्री के तमाम कागजात पढ़ लिए और इससे साफ जाहिर होता है कि फैक्ट्री की जमीन और उसमें लगी हुई सारी मशीनरी के मालिक आप हैं। और क्योंकि मल्होत्रा ने आपको 5 लाख रुपए कैश रॉ मटेरियल के लिए दिए थे, इसीलिए आपने उसे अपना पार्टनर बनाया। बिल्कुल। आपको सिर्फ इतना करना है कि मल्होत्रा का सारा पैसा उसे वापस लौटा देना है, फिर वो अलग हो जाएगा। वकील साहब, मैं उसका एक एक पैसा लौटा दूंगा, एक एक पाई, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े या दुनिया की कोई मुसीबत उठानी पड़े, मैं उस बेईमान आदमी के साथ अब तो धंधा नहीं करूंगा। तो फौरन आप उसके 5 लाख रुपए लौटाने का इंतजाम कीजिए, केस आप ही जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुम लोग यहीं रुको। मिस्टर चटर्जी। यस। मेरा नाम रमेश मल्होत्रा है। अच्छा, तो आप हैं रमेश मल्होत्रा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, घर जाइए, कल सुबह कोर्ट में मुलाकात होगी। अरे वकील साहब, आपके फायदे की बात है, सुन लीजिए। क्या मतलब है आपका? मैं चाहता हूँ कि आप ये किराए का मकान छोड़ के कोई अच्छा फ्लैट ले लें, शादी वादी कर लें, कोई ऐश की जिंदगी बिताएं। मेरा ख्याल है इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होगी। 2 लाख रुपए ठीक रहेंगे। क्यों जी चटर्जी साहब? मुझे करना क्या होगा? चटर्जी साहब, बड़ा मामूली सा काम है, आप कंपनी के ओरिजिनल डीड्स और पेपर धनीराम से लाके मुझे दे दें, ताकि कल कोर्ट में मैं साबित कर दूं कि वो मेरा पार्टनर वार्टनर नहीं बल्कि मामूली सा क्लर्क है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकता और ना ही अपने क्लाइंट को धोखा दे सकता हूं। अच्छा, तो आप दौलत के लिए अपना ईमान नहीं बेचेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आप जिंदगी के लिए अपना ईमान जरूर बेचेंगे। क्या मतलब? मतलब जरा वकील साहब को इसका मतलब तो समझाना। ये दोनों बहुत डेंजरस आदमी हैं। ये 4 खून कर चुका है और ये दूसरा, इसने कितने खून किए इसको भी याद नहीं। खून करने का तो शौक है इसे। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता चटर्जी, ये दोनों मौत के फरिश्ते की तरह तेरे साथ रहेंगे। और देख, मुझसे होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, वरना तेरी लाश कहाँ गई ये भी पता नहीं चलेगा। मुझे हर हालत में कागजात चाहिए सुबह तक। ओके। अरे वकील साहब, ये सुबह सुबह कैसे? मैं आपको ये बताने आया था शेठ जी के मुकदमा तो आप जीत ही चुके हैं, बस समझ लीजिए कि नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। कहने आया था कि आप आज कोर्ट में मत आइएगा। क्यों? क्या है कि शरीफ और इज्जतदार लोगों का कोर्ट में आना अच्छा नहीं लगता। आप सीधे फैक्ट्री चले जाइएगा, मैं आपको फोन पर मुकदमे का रिजल्ट बता दूंगा। नहीं, लेकिन कहीं मेरी वहां जरूरत पड़ गई तो? अरे कैसे जरूरत पड़ सकती, ये वकील किस मर्ज की दवा है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, शायद जज साहब डिमांड करे तो वो कागजात आप मुझे दे दीजिए। अच्छी बात, ले आता हूं। वकील साहब, इसमें कंपनी के ओरिजिनल कागजात और दस्तावेज हैं, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ है, इसलिए संभाल के रखिएगा। अपनी जान से भी ज्यादा इसे संभाल कर रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चलूं? जी। वाह वकील साहब,
दिल बात, तू तो वाकई पेपर ले आया। चटर्जी खूब जियो। जल गया तनीराम, तेरा मुकद्दर जल गया। मल्होत्रा जीत गया धनीराम, मल्होत्रा जीत गया। मल्होत्रा जीत गया। जीत गया। यह राज तुम्हारे पिताजी ने तुमसे छुपाया था। इतनी बड़ी बहू हो गई मुझसे। दुनिया के बहकावे में आकर मैंने अपने देवता समान पिता का घर छोड़ दिया। खैर अंकल, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मल्होत्रा कहां मिलेगा? मल्होत्रा को उसके किए की सजा उस घटना के कुछ ही दिनों बाद मिल गई। मजदूरों ने हड़ताल कर दी, फैक्ट्री में आग लगा दी, फिर बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चली और मल्होत्रा फरार हो गया। और उसके बाद मैं लौटा, मैंने धनीराम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। और उस दिन जब अचानक मुलाकात हो गई तो मैं अपनी सफाई में उनसे कुछ कह भी नहीं सका। घर चले जाओ बेटे, और अपने देवता समान पिताजी के चरणों पर अपना सर रख कर उनसे माफी मांगो, वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे। बेटे जाओ, जाओ बेटे जाओ। कौन है? पिताजी, आपका मुजरिम, आपका दोषी, आपका एहसान फरामोश बेटा, जो आपका बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे अपने चरणों में ही पड़े रहने दो, मैं तो आपको अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। उठना, जाते वक्त भी रुला के गया, आने के बाद भी क्या रुलाएगा, मेरी जिंदगी में सिर्फ रोना लिखा हुआ है। उठ। उस दिन तो मुझे अकेला छोड़ के चला गया था, ऐसा लगा मुझसे मेरी जिंदगी रूठ के चली गई। नहीं पिताजी, मैं अब आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। आज आज तू लौट आया तो लगता है जैसे जैसे मेरी जिंदगी लौट आई हो। बाप अपने बच्चों से जंग लड़ने जा रहा है, बस भगवान साथ दे। लखपतिया, सारा सामान लग दिया ना? जी मालिक। चल बैठिए। क्यों बे? क्यों रे बुढ़ाओ? बुढ़ाओ? कौन बुढ़ाओ? अरे तुम क्या जवान कहूँ? ये नकली काले बाल लगाकर गुड़िया बदलकर तू समझता है कि मुझे बेवकूफ बनाएगा? अरे तू औरतों का बुरका पहनकर भी जा रहा होगा ना, तो भी दूर से पहचान लूंगी कि वो देख मेरा गंजू मणिराम जा रहा है, समझा? हाँ मणिराम, मैं मणिराम नहीं हूँ बहन जी, मैं उसका भाई हूँ धनीराम। नहीं, अरे अरे शाने, नई लड़की पटा ली, गुड़िया बदल लिया, तो क्या नाम भी नया रख लिया तूने? देखिए बहन जी, ये मणिराम नहीं। अरे तू वरना तेरे टुकड़े करके इसको खिला दूंगी। क्यों बे? क्यों बे? आज 30 साल से मैं तेरे इंतजार में मरी जा रही हूँ, और तू इसे इस 56 छुरी को अपनाएगा? नहीं मैंने आपको, अरे 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 पता नहीं क्या किले ठोके बाल दे जो उखड़ नहीं रहे। अरे ये मेरे अपने बाल है, किले किसने ठोके बाबा? अपने बाल है? अरे बाबा मैं आपसे कह रहा हूँ ये मणिराम नहीं है बहन। हाँ। ये मणिराम नहीं है। अब तो मुझे भी लग रहा है बहन जी कि ये मणिराम नहीं है। क्या हुआ, क्या मुसीबत क्या है? देखिए मणिराम ने भाई साहब मुझे इतना जलाया है, इतना सताया है कि मैं लो मैं आपके पास। नहीं नहीं बस मैं ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे इतना जला है, इतना सताया है कि मैंने सारी भड़ास आप पे निकाल दी, मुझे माफ। अरे नहीं, भाई साहब एक मिनट, वो क्या है ना, वो बुढ़ाओ कहाँ मिलेगा? कौन मणिराम? उसको छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना। नहीं, वो एक लड़की के साथ मांदरा क्लब में गए। अब नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। अरे नहीं माफ कर दीजिए भाई साहब। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ओह मणिराम गया काम से। They call me young boy, I'm young. आ गया अपना बुढ़ा। मोटी तू तैयार है ना? हाँ। मैडम
मिस रीटा आप हैं? ये? आपके लिए फोन है। अरे यहाँ आपको फोन कैसे आ गया? एक्सक्यूज मी। ड्रिंक प्लीज। आई डोंट वांट ड्रिंक। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। बहुत गर्मी है, ठंडे ठंडे तौलिए से आप हम पोछ दो। पोछ दीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ एक लंबा खूबसूरत बाल वाला मूछ वाला एक आदमी बैठा था, वो किधर गया अंकल? ए, शर्म नहीं आती अंकल बोलती है? मैं तो वही हूँ डार्लिंग। वो आप? ओ नो, मैं वो नहीं हूँ। क्या बात करती है? मेरे बाल ये में। ये लो, ससुर जी आ गए। पिताजी आ गए? हाँ। आ गए भाई। वन टू थ्री शुरू जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। अब हम अपने पूज्य पिताजी का स्वागत करते हैं। और हम अपने पूज्य ससुर जी का स्वागत करते हैं। पिताजी, आज आप खुद यहाँ पर चलकर आए तो ऐसा लगा जैसे आसमान से साक्षात भगवान अपने नालायक बंदों को क्षमा करने के लिए आ गए। अच्छा, क्या बात है? पिताजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बिछड़े हुए एक बार फिर मिल गए। पिताजी, इसी खुशी के मौके पर आज मैं आपको अपने पार्टनर से मिलवाना चाहता हूँ। पार्टनर? किस बात का पार्टनर? हम दोनों मिलकर इस बंगले की जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे पिताजी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये मोहब्बत प्रेम और मिठास का पौधा जो है वो दौलत की जमीन पे खड़ा हुआ है। मैं भी कहूँ ये नीम के पेड़ में आम कब से लगने लग गए। बाय द वे, वो कौन है वो तुम्हारा पार्टनर? वो मैं हूँ धनीराम जी। मल्होत्रा? मल्होत्रा, इस बच्चे को ऐसी नेक सलाह मेरे सिवा और कौन दे सकता है? शादी मुबारक हो धनीराम जी। डसने के बाद सांप को चाहिए कि बिल में ही अपना मुंह छुपा के रखा करे, वरना उसका सर कुचल दिया जाता है। इसको नीचे कीजिए। आज दूसरी मुलाकात की खुशी के मौके पर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। आप जिंदगी भर याद रखेंगे। पिताजी, तुम इसके पार्टनर हो, यही तोहफा तुम्हें भी चाहिए? हाँ? नहीं राम जी, जब कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं उस थप्पड़ को दुश्मनी के बही खाते में लिख लेता हूँ, ताकि वक्त आने पे सूद समेत वापस कर दूं। खैर, आज तो आपका हनीमून है, हनीमून मनाइए, मैं आपको किसी और दिन देख लूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक ही तरीका है, तुम्हारे बाप को खत्म कर दिया जाए।
मर्डर खत्म। हाँ हाँ खत्म, ऑल इज फेयर इन बिजनेस, खत्म कर देते हैं उसको। और ये फैसला तुम्हें आज और अभी इसी वक्त करना है, वरना तुम लोगों को गुलाम बना के रखेगा, और तुम्हें तो पालतू कुत्ते की तरह रखेगा और तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। इसलिए आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना देते हैं, ताकि कल सुबह का सूरज जब निकले तो रोशनी के साथ साथ तुम लोगों पर दौलत की बरसात हो, समझा? मगर तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है नहीं? तुम्हें इस जगह पे बिल्डिंग बनानी है या नहीं? बनानी है। आप भी कैसी बातें करते हैं, इतना पैसे लगाने के बाद क्या मैं ऐसे ही जाने दूंगा? तो फिर आज की रात जब तुम्हारा बाप सोएगा तो वहां से सीधा शमशान जाएगा, सिर्फ शमशान घाट। अच्छा, गोविंद मल्होत्रा के साथ मिलकर मेरा खून करवाना चाहता है? जी हाँ, वो लोग आज रात को आपको सोते वक्त आपको खत्म करने का प्लान भी बना चुके हैं। ये मल्होत्रा तो बहुत कमीना आदमी है। जिसकी अपनी औलाद ही कमीने पर उतर आई हो तो फिर गैरों से क्या शिकवा? दौलत की लालच में जमीर का खून होते बहुत बार देखा, मगर औलाद के हाथों बाप का खून होते पहली बार देख रहा हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पिताजी। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, काहे को चिंता करता है? हम गोविंद को वो सबक सिखाएंगे कि वो भी क्या याद रखेगा कि किसी मर्द बाप से पला पड़ा है। बहुत खूब पिताजी। मल्होत्रा जी, ये काम आज ही रात को हो जाना चाहिए। फिक्र मत करो, आज ही हो जाएगा। धनी राम की जिंदगी का फैसला आज रात ही हो जाएगा। मतलब सिर्फ ये सोचना है कि उसका कत्ल कब, कहां और कैसे करना है। ये मैं बताती हूँ। ये काम तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। कैसे? मुझे अपने साथ मिला लो, मैं एक ही झटके में तुम्हारी सारी तकलीफें हल कर दूंगी। बहन जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। मिस्टर मल्होत्रा, तुम्हें जमीन चाहिए और तुम्हें अपने बाप की जायदाद चाहिए, मुझे बीवी होने के नाते अपना हिस्सा चाहिए। तो तुम्हारी नजर भी मेरे बाप की दौलत पर है? नहीं तो क्या उनकी शक्ल पर है? मैंने क्या बिना किसी मकसद के एक 55 साल के बुढ़े के साथ शादी की है? ओ मल्होत्रा जी, वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा बताओ कि तुम्हें मेरे, नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे स्वा की क्या कीमत चाहिए? What do you want? 50-50, अगर मंजूर है तो मिलाओ हाथ। अरे काका, एक मिनट, ये हाथ तब मिलेंगे बहन जी अगर आप अपने मेहंदी रंगे हाथों को अपने पति के खून से रंग दें। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। काका मिला दे हाथ, भाई मिला दे। तनी राम की जिंदगी का फैसला आज रात होगा।
ठहरो, इस लाश को मैं ठिकाने लगाऊंगी। ये देखिए, इस जगह पर 25 फ्लोर का टावर बनेगा, ऑल ग्रेनाइट इटालियन मार्बल, और इस जगह पर एक बहुत बड़ा पार्क बनेगा। इस जगह पर जिम्नेशियम और इस जगह पर स्विमिंग पूल, और ये जो खाली प्लॉट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनेगा, सेंट्रली एयर कंडीशन। क्यों सेठ जी, है ना अच्छा प्लान। भाई जगह तो मने बहुत चौकी लगी, मैं पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेके भूमि पूजन करवा लो। अरे भूमि पूजन भी करवा देते हैं जी, पर सेठ जी आप ये तो हुक्म कीजिए कि धन कब मिलने वाला है। मल्होत्रा साहब, धन के चीज है, मारे जेब में रखो है। अगर मने प्रोजेक्ट पसंद आ गयो तो समझो पैसा के चीज है, पैर को मैल है। पैर की मैल है? हाँ जी, पैर को मैल है। ये पहला सेट देखा है सेठ जी, ये मैल लेने मेरा मतलब है ये पैसे लेने कल आ जाए। कल सुबह आके ले लेना। अच्छा तो मैं चलू। जय राम जय राम जी जय राम जी की। तो झुंझुन वाला सेठ उस जगह पे पैसा लगा रहा है? नहीं लगाएगा। वो क्यों? आज रात हम लोग उसका ऐसा झुंझुना बजाएंगे कि वो कल से नजर ही नहीं आएगा। ऐसे बेवकत भजन लग गया। ये तो ठीक है, कमाल है। अरे क्या हो रहा है भैया? झुंझुनाना सेठ। अरे कौन है भाई? झुंझुनाना सेठ। नहीं अरे क्या हो रहा है भैया? अरे कौन है रे? मैं यहाँ हूँ। यहाँ बैठो, मेरा नाम धनी राम है। तुम मेरी जमीन पर टावर बना रहे हो? अगर टावर बनाओगे मैं रात को आऊंगा, दांतों से तुम्हारा गला चबाकर खा जाऊंगा। उठो उठो भागो। चाचा जी, सेठ की हालत खराब हो गई है, उसकी कमीज गीली हो गई है और धोती पीली हो गई है, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं प्रोजेक्ट में पैसों नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। वो फाइनेंसर तो भाग गया। अरे भैया पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएगा क्या मतलब? पैसा मल्होत्रा जी लगाएंगे। ओए काका, पैसा लगाने से मैं भला कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीमेंट बनाने से पहले ये तो बता देना था कि तुम्हारा बाप मरने के बाद भूत बन के आ जाएगा।
और भूत की जमीन पे कौन पैसा लगाएगा? मेरा वो फाइनेंसर चुन चुन वाला भी भूत के डर से भाग गया। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। ठीक है, मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा। सिर्फ 2 करोड़? मल्होत्रा जी, जब आप ये बंगला देखने आए थे तो बात 5 करोड़ की हुई थी। ये बाकी के 3 करोड़ कहां से आएंगे? हम लोग मिलके कई बार से उधार ले लेंगे, समझा? हम लोगों को नहीं मिस्टर मल्होत्रा, सिर्फ आपको। जमीन हमारी होगी और पैसा आपका होगा, यही वादा हुआ था। और अगर मल्होत्रा जी आपने ये वादा पूरा नहीं किया तो हमें मजबूरन इस जमीन का सौदा किसी और पार्टी के साथ करना होगा। प्रिया जी, 35 नंबर 2, तुम जाके मल्होत्रा से कहो कि तुम्हारा एक बहुत पुराना आशिक है और वो तुम्हारी एक अदा पे 3 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा सकता है। कौन है ये? है बुलाओ, फ्रांस का एक बहुत बड़ा रईस जिसका नाम है मिस्टर मित्रों। क्या मतलब? आप मुझे एक दिन में 3 करोड़ रुपया दिलवा सकती हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आपने अभी तक प्रिया को पहचाना ही नहीं। प्रिया ने प्रेम का पूरा चिड़ियाघर बना रखा है जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर फांस रखे हैं, जिसकी जब जरूरत होती है इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब प्रिया जी, आप तो कमाल की चीज है। हम लोग मिलकर। मिस्टर मल्होत्रा, ये प्रिया बहुत महंगी चिड़िया है, मोती के दाने खाती है और सोने के निवाले चबाती है। तो आप 3 करोड़ दिलाने की बात कर रही थी? हाँ, दिला सकती हूँ। है मेरा एक चाहने वाला जो मेरी एक अदा पर लाखों उड़ाता है। लेकिन आपको मेरा कमीशन भी देना होगा। अरे बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हर मुनाफे में बराबर के हकदार हैं। ठीक है, तो कल आप अपने पार्टनर को लेकर मेरे साथ चलिए। हेलो डार्लिंग, वेरी एक्साइटेड टू सी यू। मिस्टर मित्रों, ये है मेरे दोस्त मिस्टर मल्होत्रा और मिस्टर गोविंदरा। हेलो। वेल, हम क्या मदद कर सकता है आप गोलों का? लोगों का। सॉरी, यू नो माय लैंग्वेज प्रॉब्लम। सर, दरअसल बात यह है कि yes? मैं अपना पुराना बंगला तोड़कर उस पर एक आलीशान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। सर, उसके लिए मुझे 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। ओनली 3 करोड़? बट मैन, तुम हमारा गर्लफ्रेंड का साथ में आए और 3 करोड़ मांगता? मैन, हम इसका एक उसको ऊपर, व्हाट इज दैट वर्ड, अदा, या इसका एक अदा को ऊपर 300 करोड़ रुपए एक साथ फेंक दिया था। डोंट डू दिस, कार्पेट खराब होता है। व्हाट आर यू डूइंग? तो हमें 3 करोड़ मिल जाएंगे ना जी? डेफिनेटली, कैसे नहीं मिलेगा? मैं गर्लफ्रेंड, वो बिजनेस का तोरा तोरा उसूल होता है, उसको पूरा करो देन टेक एज मच मनी एज यू वांट। कुछ तोरा गारंटी दो, पैसे लो। सर, मेरे पास एक फैक्ट्री है लेकिन वो अभी बंद है। वो फैक्ट्री तुम्हारा अपना है? जी हाँ। जी नहीं, वो जी। व्हाट मैन, क्या करता है? कभी बोलता जी हाँ, कभी बोलता जी नहीं। डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। सर, दरअसल बात है कि वो फैक्ट्री मेरे पिताजी की है लेकिन मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे। हाँ, तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा बाप गया, साथ में तुम्हारा दिमाग भी गया। तो जाना ही है जी। तुम भी जाएगा एक दिन। वेल, अभी हम तुमको एक फंटेस्टिक आइडिया देता है। वो मॉर्निंग को लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? या दैट्स इट। तुम एक अखबार के अंदर पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट दो पब्लिक का नाम को ऊपर, कि सस्ता सस्ता फ्लैट पब्लिक का वास्ते मिट्टी का भाव का अंदर, जो लेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं लेगा वो भूखा रह जाएगा। ओ मैन, ये एडवर्टीजमेंट भरेगा, पब्लिक दीवाना हो जाएगा, लोग दन दन पैसा लाके देगा, पैसा 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 ऐसा फाइल अप हो जाएगा, जमा हो जाएगा। एंड कलेक्ट दैट मनी
एंड मेक द टावर विद दैट मनी। मेट्रो साहब आपके दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। ये पांव के जैसा हाथ है तो ये हमारा आइडिया नहीं है। हम फ्रॉड बेईमान आदमी को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग के अंदर ऐसा आइडिया आता है। ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, ये तो वही बात हुई कि ना हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा। लीजिए साहब 20,000 रुपया। ये भी फुल हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा भी लीजिए। सॉरी भाई साहब, अब एक भी फ्लैट नहीं। देखो भाइयों, सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, इसलिए आप लोग आप जा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी भाइयों, एक भी फ्लैट खाली नहीं है। हाँ जी, तो कैशियर साहब कितना पैसा इकट्ठा हो गया? जी ड्राफ्ट चेक और कैश मिला के कुल 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़, वाह। मित्रों साहब ने भी क्या आइडिया दिया है, हमें 2 करोड़ चाहिए था, 2.5 करोड़ आ गया है। गोविंद राम, ये चेक और ड्राफ्ट बैंक में जमा करा देते हैं, जैसे ये सब कैश हो जाएगा अपनी बिल्डिंग पे काम शुरू कर देंगे। तो पब्लिक से उन्होंने फ्लैटों के एडवांस ले लिए? जी हाँ। और 2.5 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने सीमेंट वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को और स्टील वाले को दे दिए हैं। इसका मतलब मल्होत्रा और गोविंद के पास इस वक्त पूरा पैसा हाथ में नहीं है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, यहाँ से इनकी बर्बादी शुरू। तुम एक काम करो, फौरन अखबार में इश्तेहार दो कि मैग्नम टावर के सामने एक नया टावर बन रहा है, नई कॉलोनी बन रही है बजरंग कॉलोनी, और वहाँ के फ्लैट मैग्नम टावर के मुकाबले में आधे दाम में बिक रहे हैं। लेकिन बजरंग कॉलोनी बनाएगा कौन? हम लोग बना रहे हैं यार। ओहो, और जब लोग वो इश्तेहार पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आधे दाम में फ्लैट मिल रहे हैं, तो वो तो अपना पैसा वापस लेने जाएंगे। हाँ मल्होत्रा स्पीकिंग। मल्होत्रा जी, आपने सुबह का अखबार पढ़ा? जिस किसी भी आदमी ने ये इश्तेहार दिया है, इसकी या तो हमसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है, या मुझे कोई पागल लगता है। पागल? अरे हाँ हाँ पागल। कोई भी समझदार आदमी, होशमंद आदमी इतने सस्ते सस्ते फ्लैट बेच के खुद को इतने नुकसान में क्यों डालना चाहेगा? मैं तो कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे काम करके कोई फायदा ही नहीं है, पब्लिक का पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अरे यार क्या गधों जैसी बात कर रहे हो, कहाँ से पैसे वापस लौटा देंगे है? तुम्हारे सामने तो कल लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, सीमेंट के लिए पैसे दिए, आर्किटेक्ट को पैसे दिए, स्टील के लिए पैसे दिए, पैसे है का जो वापस लौटा देंगे है? लेकिन मल्होत्रा जी, कौन उल्लू का पट्टा हमारे टावर में से फ्लैट खरीदेगा? बजरंग कॉलोनी के अंदर आधे दामों पर फ्लैट बिक रहे हैं, हमारे फ्लैट कौन खरीदेगा? हेलो, मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, साहब को दीजिए जल्दी जल्दी प्लीज। ऑफिस से कैशियर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मल्होत्रा जी आप एक मिनट होल्ड करो। हेलो सर, सर आप जल्दी ऑफिस आ जाइए सर, सर यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग गई है सर, सब अपने अपने पैसा वापस मांग रहे हैं सर। अरे बाप रे, आखिर वही होना जिसका डर था। अरे तुम उनको वहीं पर रोको, मैं 5 मिनट में मल्होत्रा को लेकर आता हूँ। सर आप ऑफिस आ जाइए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे आता हूँ ना, फोन नीचे रखो। आप शांति रखिए, वो आ रहे हैं। सुना आपने, सब लोग ऑफिस में जमा हो गए हैं, अपने अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आप सबसे पहले काम कीजिए, फौरन ऑफिस में आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। ओए गोविंद राम, ना तो पैसे मैं तुझे दूंगा न जनता को। परसों पहले जो चाल तेरे बाप के साथ चली थी वही चलूंगा। हमारा पैसा वापस करो, हमको फ्लैट नहीं चाहिए, ये कंपनी चोर है, चोर है। हमारा पैसा वापस करने को हम ऑफिस मांग ले आ देंगे। अरे आप लोगों को पैसा वापस मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे ही मेरे पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा आ जाएंगे, आप सब लोगों को पेमेंट हो जाएगी। आइए सर, मल्होत्रा सब आ गए, मल्होत्रा सब आ गए। अरे भाई देखो, अरे शांति शांति, देखो अब लोगों के सबके पैसे मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आप सबके पैसे वापस कर देंगे। मैं अपने पार्टनर को बैंक में लेके जाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ रुकिए, बैंक से पैसे लाके आपको वापस कर देंगे। गोविंद राम चलो भाई बैंक चलते हैं, सबका पैसा वापस कर देते हैं। हाँ चलिए अजय काका चल। वजन तो हो गई 2.5 करोड़ है, आजा संभाल के सबका पैसा वापस कर देंगे। इस मुसीबत में फंस गए हम लोग, पीछे की सीट पर रख दे। शाबाश बेटा, आराम का पैसा। गुड बॉय।
ये क्या बदतमीजी है? कौन है सब लोग? ये सब बोले हैं इस सांप की औलादे। देख बेटा गोविंदराम, बुजुर्ग लोग कभी गलत बात नहीं कहते। तेरा वो बाप धनी राम ठीक ही कहता था कि मैं वो सांप हूं जिसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। मुझे तो इसी दिन का इंतजार था कि कब ये माल मेरे हाथ आए और मैं तेरा राम नाम सत कर दूं। चल बेटा गुड बाय। नहीं 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 नहीं, नहीं मल्होत्रा, देखो मल्होत्रा ऐसा मत करो। तुम मेरे पार्टनर हो और हमें सब पैसा जनता को वापस करना है। नहीं नहीं, देखो एक एक काम करो, तुम मेरा पूरा हिस्सा ले लो लेकिन मुझे जान से मत मारो। मल्होत्रा मेरी बीवी है, मेरी बहन है, जरा सोचो उनका क्या होगा। जरा सोच। लगता है मुझे ही तेरा राम नाम सत करना पड़ेगा। मैंने तेरे बाप को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है? और मारो, खूब मारो साले को। अबे जब तू अपने बाप का बेटा नहीं बन सका तो मल्होत्रा का पार्टनर क्या बनेगा है? चल तेरी स्टोरी को दी एंड लगा देता हूँ मैं। कौन सा है? धनीराम, और तुझे तो मैंने मार दिया था। मैं नहीं, तुम्हारी अकल मर गई थी जो एक जिंदा इंसान को तुमने मुर्दा समझ लिया था। धनीराम तू? नहीं रे मनीराम। तमीज से बात करो। मनीराम, शायद इसीलिए आज तक मेरी शादी नहीं हुई। अब मैं तेरी चिता जलाऊंगा और उसके चारों तरफ अपनी शादी के फेरे लगाऊंगा। मेरी चिता कोई नहीं जला सकता, समझे? गंजे जिसके चमक पे ऐसा। ओए चलो भागो जल्दी। पिताजी, आपने वाकई सही कहा था, ये मल्होत्रा साहब की औलाद है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पब्लिक का पूरा पैसा ये खा गया। पिताजी मैं अपने की बहुत शर्मिंदा हूं। पिताजी बहुत शर्मिंदा हूं। इसी दौलत के लिए तो अपने बाप को मारना चाहता था। अगर बाप मर जाता और दौलत रह जाती चलता था तुझे? नहीं पिताजी, मुझे दौलत नहीं चाहिए, अपने बाप के चन्नों की धूल चाहिए। पिताजी इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझे माफ कर दो। मुझे गुंडो पकड़ो उसको। गुंडो, हेलो टाइगर, देखो अपने आदमियों को लेके वर्सोवा यारी रोड पर पहुंचो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, जल्दी करो। ये चोर आ गया। ड्राइवर फोन बजाओ, हटा इसको। अरे ओपन कर दिया। चलो मल्होत्रा किधर गए? बहन जी, आपको पता है मल्होत्रा कहाँ है? जी, वो तो रास्ते में बांद्रा में उतर गया भाई साहब। उसका एड्रेस मालूम है आपको? नहीं जी, मुझे तो मेरा भी नहीं मालूम। मैं आपको बता दूँ। पहले इधर के लोग। भाई साहब बात सुनो।
शेर। मुर्दे कहां से आ गए यार? अरे मां, साले तो मुझे मैं मार रहे। ये काहे की गोली है? ये गुलाब की गोली है, मत खाओ। छी, कोई ताकत की गोली नहीं है। ये गोली खाऊं तो कितनों को मार सकता हूं? एक साथ चार को मार सकते हो। चार को? हाँ। तो मैं तब खा लेता हूं। एक साथ सारी मत खाओ, एक साथ सारी मत खाओ। अरे अरे अरे, ताकत की गोली खाई हो संजन? खाई है? मुझे बहुत मारा। अरे मत खाओ, मैं कहता हूँ ये मत खाओ, ये जुलाब की गोली है, ये जुलाब लग जाएगा तुमको। अरे मैं कहता हूँ मत खाओ, ये जुलाब की गोली है। अरे तेरा सत्यानाश हो, मैं कहता हूँ मत खाओ, ये जुलाब की गोली है, मैं कहता हूँ मत। अरे वो तनीराम मनीराम और गोविंद राम, कौन सी गोली? अभी कहाँ जाऊँ? इसके नीचे उधर उधर। कैसे करूँगा, वहाँ तो पानी भी खत्म हो गया है। बेटा मल्होत्रा, यहाँ से भागना ही ठीक है। बेटे मैं तो बाथरूम जा रहा था। मैं यही करवा देता हूँ। अरे निकल गई। अरे धनीराम, अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे बचा। मैं तेरा पुराना अब तो पार्टनरशिप लेता था। ओ बेटा, अपने बाप को समझा। हाँ समझाता हूँ। ये कुत्ते हैं। मैं क्या हुए? ओए समझा इसको। मुझे ब्लड प्रेशर। हाँ तो ब्लड और प्रेशर निकाल दे। मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम है। वो हार्ट भी निकाल दे। ले ले, मरता क्यों नहीं साला? मल्होत्रा, तू आप यहाँ क्या कर रहे? सब्जी बेच रहे? थारे कारण, थारे कारण मैं बर्बाद हो गयो। पेट जी को भूत मारो दिवाली होकर गयो। मैं थाने नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा थाने, मैं नहीं छोड़ूंगा। धनी राम को भूत। क्या है झुंझुन वाला सेठ, पहचाना? चलो चलो हड़प, चलो चलो मेरे साथ, चलो सब बाकी बात थाने में होगी, तुम पहले चलो मेरे साथ। लेकिन लेकिन आप चुपचाप बैठिए, पकड़े रखो इसे। गोविंद राम, पब्लिक को चीट करने के जुर्म में आपको ही पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। गोविंद, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, मैं जिंदगी में आज आखिरी मरतबा शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर नहीं होने तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करने वाला, क्योंकि वो आ जाएगी। इसलिए क्या करो, जब तक मेरी शादी नहीं होती, एक एक दरवाजे पर, एक एक खिड़की पर, एक एक रोशनदान पर टाइट पहरा लगा के रखो।
कोई औरत, कोई बच्चा, कोई परिंदा अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाते। एकदम टाइट सिक्योरिटी, समझ गए ना? जाओ। आप फेट लगा के जाएंगे? क्या करूं, जो पगड़ी बनती ही नहीं है। एक जमाने मेरे क्या बात है, जाओ ना यार। पंडित जी चलो स्टार्ट, जल्दी जल्दी। सर आपका फोन है। मेरा फोन? जी। कौन है? कोई लड़की आपसे बात करना चाहती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वही होगी, मत फोन उखाड़ दे। सर बाहर दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, आपसे अर्जेंट मिलना चाहती है। अरे ये वही आ गई, जब तक घेरे नहीं होते उसको अंदर आने मत दो। भाग। जी सर। पंडित जी जल्दी करो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? उठिए उठिए, गार्ड पकड़ लीजिए। उठिए। ओ सत्यनारायण ब्रिज सवार, सत्यनारायण सर, सर वो लड़की जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है, गालियां बक रही है। अरे उसको भगाओ इधर से, जल्दी जल्दी चलो। सर सर वो लड़की बाहर खड़ी है, पत्थर मार रही है। सर अरे उसके पत्थर खा लूंगा, आने मत देना, चलो जल्दी। सर उस लड़की ने पूरे बंगले खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। अरे क्या मुसीबत है यार। अरे जल्दी करो यार, वो पत्थर मार रही है। शादी हो गई। शादी हो गई? हो गई। जीत गया। अरे वाह, मुबारक हो, हार रहा हूँ, मुबारक हो। तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति। अरे वाह, हमारा प्यार जीत गया, वो हार गई। कितनी सच बात कही है आपने, है ना स्वामीनाथ? तुम अंदर क्या कर रही हो? भारतीय नारी जब किसी को अपना पति मानती है, भारतीय नारी उसे अपना कर ही अपने प्राण त्यागती है। मुझे नहीं सुना, फिल्मी डायलॉग। भारतीय नारी कौन सी नारी, तुम अंदर कैसे आ गई? और बाहर से पत्थर कौन मार रही है? वो मेरी सहेली है ना, मोटी गुड्डू, वो थी। वो क्या के लिए मारी पत्थर? इसीलिए कि आपको शक न हो कि मैं अंदर हूँ। यार इस चक्कर में अंदर हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे 30 साल बर्बाद हो गए। पंडित जी ये फेरे उल्टे फिर सकते हैं? अच्छा धनीराम जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। इजाजत दीजिए मतलब? मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। मगर आप तो घर की मालकिन है, धनी राम की पत्नी नहीं बाटली। दरअसल हमने कोई शादी वादी नहीं की थी, जो भी था आज तक वो सब दिखावा था जी, कोई सच नहीं था। मैं अपनी बिगड़ी औलाद को सुधारना चाहता था, मगर बाप की मर्यादा में रहकर। अगर 55 साल का बाप खुद शादी करेगा तो सुधरी औलाद बिगड़ जाएगी, बिगड़ी भी कहां से सुधरेगी? क्यों जी बिल्कुल। अब तो आपको यकीन हो गया ना? प्रिया जी आपने मेरा बहुत साथ निभाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जी एक मिनट, प्रिया जी एक मिनट। हाँ? अब क्या है? आप मेरी एक बात मानेंगी? बोलिए मिस्टर बाटली वाला। बोलिए ना, आप मुझसे शादी करेंगी? क्या? फिर से हम का उल्लू बना रहे हैं बाटले वाले, तेरा ढक्कन गायब कर दूंगा, जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। घड़ी घड़ी जो करे ना हेलो टाटा बाय बाय, नकली में कब से चेहरे पर जो ना करे पुताई, तुम सब 16 से 21 होगी शायद वो 32, जिसको अपनी मैं बनाऊंगा लुगाई रे लुगाई। सच बोला यार, मेरा उम्र 55 की, दिल है 55 का, उम्र है 55 की, दिल है 55 का। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस की, मैं 18 बरस की, ओ मेरी जान, मुझे 19 लगा। सत्रह अठारह उन्नीस बीस और 21 का झमेला, 16 17 18 19 20 और 21 का झमेला। मेरी उम्र गई है बीत, अब ना होगी किसी से प्रीत, मेरा पीछा छोड़ो रहने दो अकेला रे अकेला। ये बुद्धू बोला बाला यार, आ उम्र 55 की, दिल है 55 का, उम्र है 55 की, दिल है 55 का।